जोर से नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोवर में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाविधि प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा, अपने बात करेंगे। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे भगवान कृष्ण मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु चतुर्भुज रूप लेकर के ठाकुर जी प्रकट हुए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री नंद के माता की जय। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन मेरा जन्म नहीं है, मैं अजन्मा हूँ, लेकिन अजन्मा होते हुए भी मैं जन्म लेता हूँ। फिर क्यों ठाकुर जी जन्म लेते हैं? हमारे वैष्णव लोग अनेक कारण कहते हैं, हम उसका 10 कारण सुनते हैं। ठीक है, मैं आज तो सुनाऊंगा, कल फिर आप लोग से सुनूंगा। कौन बोलेगा मेरे को दुआ? कौन बोल पाएगा आपको? पहले तो मैं ही सुनाऊंगा, कल आपसे सुनूंगा। ठीक है ना, सुन लो अच्छे तरह से। हरे कृष्णा। इसका पहला कारण बताया कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। इसका पहला कारण है कृष्ण कहते हैं अर्जुन जब जब इसी जगत में अधर्म फैल जाए, धीरे 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 धर्म की हानि होने लग जाए और जगत में साधु माताएं गो पृथ्वी ऊपर में अत्याचार होने लगता है, तब तक मैंने जगत में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ और संतों को पालन करता हूँ। ये पहला काम एक याद रहेगा। दूसरा कारण बताए कि जो देवकी ये वसुदेव पूर्व जन्म में ये कृष्ण और सुतपा थे, ये दोनों ने केवल पत्ता खा करके 10,000 साल भगवान विष्णु की आराधना की। जब भगवान प्रसन्न हो गए, बोले बेटा वर मांगो। बोले प्रभु आप जैसे हमें एक बेटा चाहिए। भगवान बोले मेरे तो जैसे कोई बेटा होते, मैं ही तुम्हारी बेटा मिल कर गया। इसलिए माने इसको रक्षा करने के लिए ठाकुर जी क्या किए, नंद जसोदा श्री देवकी वसुदेव रूप में ये कृष्ण और सुतक आए और भगवान मथुरा में कंस के कारागार में ठाकुर जी देवकी वसुदेव की बेटा बन कर के आए। कहती है दूसरा कारण। तीसरा कारण ही कहते द्रोण और धरा, ये दोनों भी राजा और रानी थे, ये दोनों भी ब्रह्मा जी को उपासना। ब्रह्मा जब संतुष्ट हुए, बोले वर्मा प्रभु जैसे एक बेटा स्वाभाविक रूप में माँ की पेट से जन्म लेता है, मैं चाहता हूँ और मेरे पेट में आए और मेरे गर्भ से आप जन्म लो। जैसे एक माँ बच्चे को पलने में झुलाती है और उसको ठुमक ठुमक करके सिखाती है, अगर कभी बदमाशी करे कान भी मोल देती, बच्चों को कान मोल देती कि नहीं, शासन करती कि नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ ऐसे ही आपको मैं अपना बेटे रूप में प्राप्त करूँ और आपको मैं शासन करूँ और हमारे शासन को आप स्वीकार करूँ। इसलिए वही द्रोण और धरा ये द्वापर युग में नंद और श्री जसोदा रूप में आए और ठाकुर जी उनकी इच्छाओं को पूरी किया है। कितना करना हो गया? कितना हो गया? कोई गिन नहीं रहे, कोई काम की नहीं तुम लोग। अब तुम लोग पढ़िए ना अच्छे तरह से, याद करो और गांव में जा करके देखो, इधर मैं इतना कष्ट कर रहा हूँ, कष्ट कर कर तुमको कथा सुना रहा हूँ। मेरे को तो कुछ फल चाहिए ना, मेरे को एक फल चाहिए
हमारे गुरु जी के गुरु जी कहते हैं, जिसने संपूर्ण दुनिया में ये हरि भक्ति को प्रचार किया। देखो कितने बड़ी बात कहते हैं। और जो माया में जो फंसे हुए जीव, एक जीव को अगर प्रभु की बार में सुना करके उसका मन प्रभु की भक्ति में लगा दिया, एक जीव को प्रभु की भजन में लगा दिया, कितना पुण्य मिलेगा। वो कहते हैं कोई व्यक्ति करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल खोल दे, करोड़ों करोड़ स्कूल कॉलेज खोल दे, उसको जो पुण्य मिलेगी अगर एक व्यक्ति को अगर प्रभु की भजन में लगा दिया ना, उससे अनंत करोड़ गुण ज्यादा पुण्य मिलेगा। अगर समझा बुझा करके एक व्यक्ति को तुमने प्रभु की भजन में लगा दिया, कितने पुण्य है। समझ रहे कि नहीं? मैं इतने खोपड़ी मार रहा हूँ, कम से कम तो ये चीज को अच्छे तरह से सुनो, और तुम्हारी गाँव में जा करके ना सबको भी प्रभु की बारे में सुनाओ, सबको प्रभु की उपदेश दो। यही भगवान सिखाया है। क्या सिखाया है? घर घर में जा जा कर भीख मांगो। किस चीज की भीख्या मांगो? बोले कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति की भीख्या मांगो। और सबको भगवान के बारे में समझाओ, और घर घर भगवान की धाम बन जाए, और घर घर भगवान की वृंदावन बन जाए। बोले श्री वृंदावन की जय। पर काफी कहा है तुम, क्या करते हो? बोलो बैठ कर सुनते हो? पेन तो बड़ा बड़े हैं। इसलिए हरे कृष्णा कितना गाना हो गया? तीन चार हो गया। बोल सकते हो क्या? क्या इसलिए इसमें कितना हो गया? इसमें तीन कारण हो गया है। इसकी चौदह कारण बताए। जब भगवान राम लक्ष्मण और सीता ये वनवास में चले गए ठाकुर जी, अभी वहां पर जो सुपर्णखा थी, भगवान के रूप को देख करके सुपर्णखा एकदम बाबरी बन गई और बड़ी सुंदर बंधन करके आई। बोले मेरे से आप ब्याह कर लो, मेरे से शादी कर लो, आप मेरे जैसे सुंदर, भगवान तुम्हें भी मेरे जैसे सुंदर बनाया है, मेरे से शादी कर लो। भगवान राम ने कहा भैया मेरे तो ऑलरेडी मेरी सीता है। बोले इसके शरीर में क्या रुपया हड्डी क्या इसके शरीर में रखी हूँ? देख मैं कितने सुंदर हूँ, देख मैं कितने सुंदर, इसलिए मेरे से ब्याह कर लो। भगवान राम बोले देखो मैं सीता के सिवाय और किसको विवाह कर नहीं सकता। इतने में लक्ष्मण गया था लकड़ी लेने के लिए। जब लक्ष्मण जी आए देखा ये भी तो काम सुंदर भी। बोली ये कौन है? बोली ये मेरे छोटे भैया है। बोली ये तो बड़ा सुंदर है, इससे मैं बोलूं शादी के लिए? बोले तेरे जैसे मनमान को कौन रोक सकते हैं, एक बार पूछ करके देख ही लो। जब लक्ष्मण को बोले मेरे से शादी कर लो, लक्ष्मण बोले अभी तो बड़े भैया के पास में कुछ बोल रहे थे। बोले वो मेरे प्रेम को समझाने, तू मेरे प्रेम को समझो, मेरे से ब्याह कर ली। बोले ये बताओ तुम दासी बनोगे ना रानी बनोगे? बोले रानी? बोले मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, अगर मेरे से शादी करोगे ना जिंदगी भर तुमको सेवा करना पड़ेगा, और कहाँ रानी बनने की स्वप्न देख रहे, जा प्रभु राम को पास में। फिर राम को पास में फैर गई, फैर गई तो भगवान राम ने इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया इतने में सुपर्णखा को बड़ा क्रोध आया। बोले तेरे तुमको पता है कौन हो? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? रावण का बहन हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर रही हूँ। ओ ये सीता के लिए इतना गड़बड़ी हो रही है, इसको ही मैं खा जाती तब तो फिर शादी करोगे। जब सीता को खाने के लिए गई, इतने में भगवान राम ने लक्ष्मण का आदेश दिया, उसका नाक कान काट दिया, बांस तलवार में नाक कान काट दिए हैं। अभी प्रश्न है भैया किसको शादी नहीं करना, शादी मत करो। अगर एक जगत में एक स्त्री जितने सुंदर क्यों नहीं हो, उसको नाक और कान काट दो, दुनिया में उसको कोई पूछेगा? कोई पूछेगा दुनिया में? इसे लक्ष्मण ने क्या किया, उसको नाक कान को लक्ष्मण ने काट दिया। बोले क्यों नाक कान काट दिया? बोले कारण है ये लक्ष्मण ये गुरु है। बोले गुरु का काम क्या है? बोले शिष्य को उपयुक्त बना करके भगवान की सेवा में लगाना, ये गुरु का काम है। इसे लक्ष्मण ने देखा ये ऑलरेडी की जो सुपर्ण था प्रभु राम को अपना हृदय में उसने बैठा चुका है, बैठा चुका है। इसलिए जो एक बार प्रभु को हृदय में बैठा दिया और वो किसी को बन करके नहीं रहनी चाहिए, इसलिए उसको ना कान काट दिए। बोले और तेरे को कोई नहीं पूछनी चाहिए, कोई सुपर्ण था कृष्ण लीला में क्या बन करके आई है? सुपर्ण का क्या बन करके आई? कहती है कुब्जा बन करके आई। खरे हमारे कन्हैया ने कृष्ण ने श्री कुब्जा को फिर ग्रहण करते हैं ठाकुर जी।
कि ये एक कारण है भगवान कृष्ण जगत में क्यों आए, कितना कारण हो गया, चार। इसलिए पंचमा कारण बताए कल भगवान वामन देव का अवतार हम लोगों ने देखा है। जब भगवान वामन देव बलि महाराज के घर में आए, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम थी रत्नमाला। अभी माताओं का एक स्वभाव है, क्या स्वभाव है, अगर किसी सुंदर बच्चे को देखे ना, वो चाहती है गोद में लेकर उसको प्यार करने। भगवान स्वयं वामन बन कर बड़ी सुंदर था। अभी रत्नमाला के मन में इच्छा हो रही थी, अगर ऐसे एक बेटा अगर मेरा होता ना, दिन भर में गोद में लेकर उसमें लाभ लेना। भगवान भावग्राही जनार्दन, भगवान सभी की इच्छा ठाकुर जी पूरी करते हैं। पहले कोई बात नहीं, अगले जीवन में मैं तेरे बेटा बनकर आ जाऊंगा। लेकिन जब ठाकुर जी एक पग में पूरा ऊपर लोक को ले लिए, दूसरे पग में पाताल लोक को ले लिए, अभी तीसरे पग रखने का कोई स्थान नहीं, बोले तू तो बड़ी डीघ हाँक रहे है, डीघ हाँक रहे था, इतने में दान दूंगा, कहीं तुम्हें हाथ पसारने का जरूरत नहीं। अभी दो पग में तो मैं सब कुछ ले गया, बताओ तीसरे पग कहाँ रखूंगा। इतने में उन्होंने नाग फांस बंधन में बांध दिए। अभी उनको बेटी को तो बड़ा क्रोध आया, बोले तो बड़ा दुष्ट है, मेरे पिताजी का सब कुछ हड़प लिया, शब्द हड़प लिया, फिर क्या किया, मेरे पिताजी को फिर नाग फांस बंधन में बांध दिया। बोले अगर तुम मेरे बेटे बन करके आओगे ना, तेरे को मैं दूध क्या पिलाऊंगी, तेरे को मैं बीज पिलाऊंगी। फिर वही कृष्ण लीला में कौन क्या बन करके आए, उसने उतना बन करके आए, ठाकुर जी उनकी इच्छा भी ठाकुर जी पूरी किए हैं। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। कितना कारण हो गया, पांच हो गया, गिन लेंगे ठीक से। छठवां कारण बताए, जब भगवान राम दंडक अरण्य में पहुंचे, वहां पर कुछ ऋषि मुनि गोपाल मंत्र में उपासना कर रहे थे। अभी उनकी सिद्धि नहीं हो रही, लेकिन भगवान राम जब वहां पर गए, और राम और श्याम देखने में बराबर है, अभी उन्होंने राम को उन्होंने बोले प्रभु हमें पत्नी रूप में स्वीकार कर लो। ठाकुर जी बोले नहीं, ये राम लीला में इस सीता के सिवाय और किसी को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम सबके सब कृष्ण लीला में गोपी बन करके आओ और तुम्हारी इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा। अभी जितने ऋषि मुनि लोग थे ना, ये सब के सब गोपी बन कर गया है, इसलिए जो गोपियां है ना, उनको कोई लड़की मत समझो, ये कोई लड़की नहीं, ये सब पूर्व पूर्व जन्म में बड़े बड़े ऋषि लोग कठोर तपस्या करके ये सब के सब ये गोपी बन करके आए, इसलिए ठाकुर जी उनको स्वीकार किया। कितना कारण हो गया, बोलो छह कारण हो गया। सप्तम कारण बताए, जिस समय भगवान राम जनकपुरी में गए, अभी राम लक्ष्मण दोनों जनकपुरी को दर्शन करने के लिए, जब दर्शन करने गए, अभी जो एक बार प्रभु को दर्शन कर लेना वो हला मचा देती है। बोले श्री राम लक्ष्मण की जय, जोर से बोलो, कोई बोल रहे हो, जोर से बोलो, बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय। हाँ लगे भैया कथा। इतने में सब जितने सब जनकपुरी के सब के सब उम्र पड़े प्रभु राम लक्ष्मण को दर्शन करने के लिए, और क्या हो रहा था, जो झरोखे से देख रहे थे वो सब के सब राम को दर्शन ठीक से हो रहा था, लेकिन जो सब लड़कियां जब सीता की जो सहेलियां जो छत के ऊपर में खड़ी हुई थी ना, उनका ठीक से उनको दर्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि भगवान राम का स्वभाव था कि लड़की बची चुपचाप बैठ, तिलक लगाने में जरूर नीचे रख, खुद बैठ गए तथा, इसलिए उनको दर्शन ठीक से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि भगवान राम का एक स्वभाव था, ये कभी भी सर को ऊंचा करके नहीं देखते थे, कभी भी पराया स्त्रियों को ऊपर में ठाकुर जी कभी नजर नहीं डाले, हर समय ठाकुर जी सर को नीचा करके ठाकुर जी चलते थे। अरे भगवान जब नीचा करके चल रहे थे, जो ऊपर में जो गोपियां थी उनका दर्शन नहीं हो पा रहा था, इतने में उन लोगों ने थोड़ा खांसे, क्यों, हो सकता है प्रभु राम थोड़ा सर ऊंचा करके देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो दर्शन हो जाएगा, लेकिन भगवान राम तो देखने वाले पीछे पीछे चल रहे थे। लक्ष्मण कौन चल रहे थे, लक्ष्मण, लक्ष्मण कौन है, ये गुरु है। गुरु का काम क्या है, गुरु का काम है ये जीवात्मा को परमात्मा को साथ में मिलाना, ये गुरु जी का काम है।
इतने में लक्ष्मण जी प्रार्थना की, बोले प्रभु आपका जो सखियां है ना, देखो ये छत के ऊपर सबके सब खड़े होकर के आपको दर्शन करना चाहते हैं, सर थोड़ा अपना सर को ऊंचा करो। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण खबरदार, ये जनकपुरी है, ये मायापुरी है, माया में कैसे फंस नहीं जाए, इसलिए इधर उधर मत देखा कर सब नीचा करके चलो। लेकिन जब थोड़ी दूर गए ना, फिर को जितने सखियां थे वो फिर खासे खासे, तो प्रभु लक्ष्मण बोले प्रभु एक बार दर्शन दे दो। अभी देखो कहते ना हमको गुरु करने का क्या जरूरत है, बोले कारण है जब तक कोई गुरु नहीं करता है ना, क्योंकि जब गुरु जी हमारी हो करके ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं, फिर ठाकुर जी जीव को ऊपर कृपा करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कभी भगवान जीव को ऊपर कृपा नहीं करते हैं। जैसे जो बीच में गुरुदेव हमें भगवान के साथ में संबंध को जोड़ देते हैं, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनो गुरु भव निधि तारा
जब इनको फिर दोबारा होश आया, फिर भगवान राम को पीछे सबके सब पड़े, बोले प्रभु हमें शादी कर लो। भगवान राम और लक्ष्मण तेरे को पहले से मैं मना कर रहा था, ऊपर मत देखा करो, देखा तुमने अभी तो शादी कर ली। तब भगवान राम बोले देखो मैं जब कृष्ण लीला में आऊंगा ना, तुम सब गोपी बन करके आए हो, इसलिए जितने गोपियां ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये कोई साधारण घर की ये कोई लड़की नहीं, ये सब बड़े बड़े तपस्या करके सब के सब ये गोपी बन करके आए। कितना कारण हो गया, कितना हो गया, सात हो गया। आठवां कारण बताए कि वेद का कुछ मंत्र था, ये मंत्र ने भगवान को कठोर आराधना की, भगवान कठोर तपस्या की, इतने में भगवान खुश हो गए। वर्मा बोले प्रभु ये गोपियां जैसे तुम्हारी सेवा करती हैं, हम भी ऐसे आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, तुम सबके सब द्वापर युग में क्या बन करके आओ, सबके सब तुम गोपी बन करके आओ और तुम्हारी इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा। इसलिए ऐसे ही बहुत सारी कारण हमारे शास्त्रकार ने बताया, जगत में भगवान कृष्ण जगत में क्यों क्यों कृष्ण बन करके आए, 15-20 कारण बताए, अगर दिन भर बोलूंगा तो खत्म नहीं होगा। इसलिए ये सब कारणों को लेकर के कृष्ण अजन्मा होते हुए भी भगवान ने जन्म ग्रहण किया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आनंद की जय। इसलिए हम लोग कथकलिया श्रवण कर रहे थे, कृष्ण कैसे मथुरा की कंस की कारागार में प्रकट हुए, आज हम लोग सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद की लाला बन गए। कहते श्री नंद बाबा का जो पिताजी थे उनका नाम था परजन बाबा, कहते उनके 5 बेटे थे, कितना बेटे थे, 5, कौन कौन है बता सकते हो, हाँ सुन लो, उपानंद सुनंद नंद अभिनंद अरुनंद। पहले ये नियम था जब 50 साल हो जाता था ना कोई घर में नहीं रहता, इसलिए शास्त्र कहता है 50 ऊर्ध्व बनम परजन, 50 साल के बाद में घर में मत रहो, वृंदावन जाकर भजन करो, क्योंकि जो 25 साल ये नियम था, पहले सबके सब गुरुकुल में 25 साल जाकर पढ़ते थे, 25 साल के बाद में गुरुजी फिर प्रश्न करते थे, बोले बेटा अभी तुम क्या करना चाहते हो बोलो। जिसको इच्छा होती थी, जिनको ये समझ में आ जाता था कि जीवन दुर्लभ है, भगवान बारंबार नहीं देते, 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार जीवन दिया और इसी जीवन में ही प्रभु की भक्ति करते हुए संसार से हम मुक्ति पा सकते हैं, वो फिर घर में वापस नहीं आते थे, ये लोग क्या करते थे गुरु आश्रम में रहकर भजन करते थे। लेकिन जिसको शादी के बगैर रह नहीं सकते हैं, गुरुजी कहते थे बेटा जाओ अपना घर में जाओ, अपना धर्म को साथ में शादी कर, लव मैरिज नहीं करना, लव मैरिज नहीं करना, तुम्हारी जाति वंश परंपरा के अनुरूप क्या करना, शादी करना है, शादी करके अपना गृहस्थ धर्म को ठीक से जाजन करना, जाजन करके कितने साल तक, 50 साल तक, उसको बाद में मना कर देते। इसलिए देखो उसको बाद में जो अंक आता है ना, एका बन क्या आता है, मतलब क्या बन जाओ घर में, बा बन चौ बन, ये सब के सब बन सकता आता है, मतलब घर में नहीं, 25 साल घर गृहस्थ बिता दिया, बच्चे बड़े हो गए, जान बुझ करके टांग लगा करके संसार में नहीं रहो, नहीं तो घर में बहू आएगी फिर चाबी काटी लगी लड़ाई से खड़ा कर दो संसार, इसे लड़ाई झगड़ा करने से पहले अपना वृंदावन में जाओ, अपना मुक्ति मार्ग को देखो, भगवान जो काम के लिए तुम्हें ये जीवन दिया है, किस लिए जीवन दिया है, कहते आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ये संसार के लिए हम नहीं आए, ये संसार घर गृहस्थी के लिए शास्त्र कहता है ये जीवन नहीं है, ये जीवन तो मुक्ति के दरवाजा में पहुंचे, मुक्ति की पाने के लिए जीवन है, क्योंकि इंसान के बगैर कोई भी प्रभु की भक्ति कर नहीं सकते, एक इंसान ही भक्ति कर सकता है, ये मुक्ति के दरवाजा पर पहुंचे हैं, इसलिए कि एका बन बा बन शब्द आता है, हैं? देखो उसके बाद में अंक भी आता है 68, क्या आता है 68, मतलब क्या, अगर तुम भजन नहीं करोगे ना फिर सठिया बन जाओगे, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, फिर भजन भजन कुछ नहीं होगा, फिर है फिर भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञम, जो बुद्धिमान व्यक्ति वो 5 साल उम्र से प्रभु की भजन करना शुरू कर देंगे, कितने साल उम्र से, बोले 5 साल से,
बच्चों ने पूछा, बोले प्रहलाद ये 5 साल से क्यों भजन करेंगे, जब बड़े हो जाएंगे करेंगे। देखो प्रहलाद क्या कहते, बोले तुम्हारे पास में कोई ज्ञान नहीं कर रखा हुआ, अभी कोरोना आया देखा कितना लोग मरे, कितने लोग मरे, बोले तीसरा लहरी आएगा तो बच्चों के लिए आएगा, कह रहे कितना लोग मरे संसार में, उसको पास में कोई गारंटी है, हमने जो श्वास छोड़ा दूसरा बार भी ले पाएंगे, यहाँ पर कोई बोल सकता है, बैठे बैठे करके हार्ट अटैक हो गया। इसलिए कहते नहीं, बल्ले का अगले जीवन में करेंगे। अरे प्रहलाद कहते हैं अगले जीवन में क्या करोगे, भगवान को 84 लाख जन्मों के बाद में जीवन दिया, ये मत समझो अगली बार पर इंसान जीवन बनोगे, हैं अगले जन्म में इंसान जीवन नहीं मिलेगा तुमको बेटा, फिर वही पेड़ पौधा बनकर घूमते रहो इस संसार में। इसलिए कहते हैं अनसठ, अनसठ मतलब क्या, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सठिया बन जाओगे फिर तुमसे कुछ नहीं होगा। जैसे एक बांस जब कच्चा होता है ना, जिधर टेढ़ा करो टेढ़ा हो जाएगा, पकने पर टेढ़ा होता है नहीं होता है टेढ़ा, जब मिट्टी कच्चा रहता है ना, वो कच्चा मिट्टी से तो जो कुछ इच्छा बना दोगे, लेकिन मिट्टी जब पक जाती है फिर कुछ बनती है उससे, कुछ बनेगी नहीं। जब कागज कोरी कागज हो ना, कोरे कागज में कुछ लिख सकते हो, वो लिखने के बाद खुद फिर कुछ नहीं लिखेगा। ये फूल जब खिला हुआ रहता है वो ठाकुर चरण में चढ़ा सकते हो, जब ये सूख जाए ना वो ठाकुर के चरण में भी नहीं चढ़ता है। जैसे छोटे बच्चे हैं ये पढ़ाई करते हैं, इनको जो कोई बात बोलना झटके आज कर लेंगे, बड़े बूढ़ों को पूछो कुछ याद नहीं होगा। इसलिए मीरा ने कितने उम्र में भजन की, बूढ़ी होकर ना बच्ची होकर के, ध्रुव प्रहलाद कितने उम्र में भजन किए 5 साल में, हनुमान ने कितने उम्र में भजन किया, तुलसीदास ने कितने उम्र में, कोई बूढ़े होकर भजन नहीं किए। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं बूढ़े बनकर भजन नहीं होगा बच्चा, है कमर टेढ़ी हो जाएगी, आंख में दिखेगी नहीं, कान में सुनाई नहीं पड़ेगा, बैठेगा तो उठ नहीं सकते, भजन क्या करोगे, भजन क्या करोगे। देखो तुम लोग दे सकते, समझो हम ठाकुर के सामने आधा घंटा बैठे करके ठाकुर का स्मरण करेंगे, आप लोग देख लेना आधा घंटा में 1 मिनट भी मन भजन में नहीं लगेगी। आधा घंटा क्या, 1 मिनट में क्यों नहीं, रील में जो भरा हुआ ना वही तो निकलेगा ना, रील में तो प्रभु को भजन किया नहीं, भक्ति नहीं किया, इधर उधर काम किया, अब जो भरे होगे तो वही निकलेगा। आंख बंद करते नाती पोती बेटा बेटी दुनियादारी यही निकलेगा, क्यों, जिंदगी में तुम यही करते करते आए हो। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते कौमार आचरित प्राज्ञम, जो बुद्धिमान है वो 5 साल उम्र से प्रभु की भक्ति करना शुरू कर दो, हैं। इसलिए कहते अनसठ, 60, 61, 62 मतलब सठिया हो जाओ। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी एक अच्छी बात कहते, लेकिन ये सठिया तो हो जाओगी अगर किसी भाग्य क्रम से, अगर इनको अगर संतों का संग मिल जाना इनके कल्याण भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं सठ सो धरे सत सा अगर भाग्य क्रम से हमें अगर सही संतों का संग मिल जाए ना हमारा कल्याण हो सकता है। संतों मार पीट करके जैसे अभी मैं शासन करता हूँ बात मत करो, लेकिन तब भी बात कोई बीच में बंद नहीं करते, घर में दिन भर बात करते भी आते, यहाँ पर भी मैं देखता हूँ कोई चुप बैठना नहीं चाहते, ये कथा में बैठ करके पास पास में बात करना शुरू कर देते हैं, थोड़ी सी समय मिले फिर बात करना, कथा में भी बात करना शुरू कर देते हैं, हैं? अगर कहीं ऐसे संत मिले जो हमें शासन करके डंडे मार मार करके अगर हमें कहीं प्रभु की भक्ति में लगा सकते हैं, हमारे कल्याण हो सकते हैं, हमारे कल्याण भी हो सकता है संतों की कृपा से। इसलिए बोले विमु सत संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। इसलिए अभी आप रामायण देखे हो, कौन कौन रामायण देखे हाथ उठाओ,
आप लोग देखे होंगे रामायण में, जब एक दिन दशरथ महाराज शीशा में अपना रूप देख रहे थे, देखे कि नहीं, जब देखा एक बाल पक गया, जब एक बाल उन्होंने देखा दो तीन बाल पक गया, फिर दशरथ महाराज बोले नहीं अब घर में नहीं रहना चाहिए। राम को बुलाई, बोले बेटा मेरा बाल पकना शुरू हो गया, मैं पहले बोल रहा था ना बाल पकना मतलब क्या, ऊपर का बेल पड़ गया, अभी ऊपर जाने का बेल पड़ गया है, सावधान हो जाओ, प्रभु से तुम वायदा करके आया था भजन करने के लिए, क्या वायदा करके आया था भजन करने के लिए, कितने माला जप कर रहे हो और कितना समय टीवी देखते हो, स्मार्टफोन देखते हो और कितना समय माला जप करते हो, वो बेल देता है सावधान है। इसलिए दशरथ महाराज जब देखा दो चार बाल पक गया ना, मैंने क्या किया, राम को बुलाया, बोले बेटा और नहीं, मैं चाहता हूँ तुमको राज गद्दी पर बैठा करके हम वानप्रस्थ जाए और भगवान के भजन है, फिर भगवान की भक्ति करे, फिर कहीं कहीं ने आकर अपना वर मांगी, आप सब रामायण में देखे हो ठीक है ना। इसलिए समय रहे तो क्या करनी चाहिए, प्रभु की भजन कर लो, हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 प्रभु का नाम जप किया, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ एक एक रोज रोज माला भी आपसे जपान के लिए कम से कम यहाँ बैठ बैठ के तो कल्याण हो जाए है ठीक है ना। इसलिए कोशिश करना जितना हो सके लेने के लिए कोशिश करना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, नंद भगवान कब से परिजन बाबा देखे, जब उम्र हो गया है बच्चे बड़े हो गए हैं, बोले और हमें संसार में नहीं रहनी चाहिए, उन्होंने पांच बच्चों को बुलाया, देखो बच्चों तुम लोग बड़े हो गए हो, मैं चाहता हूँ हम दोनों पति पत्नी हम भगवान की भजन करने के लिए चले जाए, और जो सबसे जो बड़ा बेटा को हम राज सिंहासन में अभिषेक करना चाहता हूँ। इतने में जो बड़ा बेटा ने कहा, बोले पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन ये राजा बनने का युग मैं नहीं हूँ, राजा बनने का युग भी नंद है। नंद क्या नाम है, नंद मतलब क्या है, बोले आनंद इति नंद, जो सबको आनंद दे, इसलिए कहते हैं ना नंद के आनंद भयो राज, उन्होंने नंदक मतलब आनंद, उन्होंने क्या आनंद दिया है, उन्होंने भगवान को जन्म दिया, कृष्ण को जन्म दिया, और हम लोग कृष्ण भजन करके तो आनंद प्राप्त करते हैं, इसलिए इनका नाम नंद। सब लोग प्रसन्न हो गए, उन्होंने नंद बाबा को सिंहासन पर बैठा दिया, और बैठा करके सिंहासन में उन्होंने दोनों पति पत्नी भजन करने के लिए चले गए। अभी उनको चार बच्चों का संतान है, लेकिन केवल जो मझला बेटा श्री नंद को संतान नहीं, इसलिए उन्होंने संतान के लिए उन्होंने जाग यज्ञ तपस्या उन्होंने बहुत कुछ करवा दिया, लेकिन घर में बेटा नहीं, क्योंकि कृष्ण आनंद गंध है, भगवान की प्राप्ति जाग यज्ञ तपस्या से भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान तो मिलते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान केवल प्रेम से ही मिलते हैं, भक्ति से ही ठाकुर मिलते हैं, कुछ नहीं। नंद बाबा बड़े दुखी है, उन्होंने देखा ये एक एकादशी आ रही, एकादशी कल एकादशी क्या कल क्या है, कौन कौन एकादशी रखते हैं, इसका महत्व क्या है, हाँ इसको लास्ट में एकादशी सब जो सब लोग आ जाएंगे ना मेरे याद करा देना, थोड़ा मैं एकादशी कथा सुनाऊंगा, इसलिए अभी मैं थोड़ी सी सुना देता हूँ। एक एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी, पुत्रदा मतलब है जिनकी पुत्र नहीं हो रहे, संतान जन्म नहीं होते हैं, कहते वो एकादशी व्रत करने से धर्म में पुत्र होता है, इसलिए वो एकादशी का नाम पुत्रता मतलब पुत्र को जो देता है। इतने में नंद जसोदा आपस में चर्चा कर रहे हैं, हमने तो सब कुछ करके देखा लेकिन पुत्र नहीं हुआ, लेकिन कल जो व्रत है
वो पुत्र का एकादशी जो पुत्र को प्रदान करता है। चलो हम दोनों पुत्र का एकादशी व्रत रखते हैं। तो दोनों ने जब पुत्र का एकादशी व्रत रखे, उसी रात में जब सो गए ठीक ब्रह्म मुहूर्त में। अगर ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न देखो, वो स्वप्न कहते सही होता है। उन्होंने क्या स्वप्न देखा? बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थले पयोधार स्फुट मसो क्रीडांगमयम लोक्यते। उन्होंने स्वप्न देखा आकाश में दो, एक श्याम रंग का एक गौर रंग का, दो सुंदर बच्चे। और वो दोनों बच्चे आकर के श्री नंद बाबा के हृदय में प्रवेश किया, और नंद बाबा के हृदय से फिर मैया जसोदा के हृदय में प्रवेश किया। और उन्होंने क्या देखा? नंद बाबा ने स्वप्न देखा, दोनों को आंख खुल गई। इतने में नंद बोले जसोदे जसोदे मैंने एक सुंदर स्वप्न देखा है। जसोदा बोले मैंने भी एक स्वप्न देखा, पहले आप बताओ क्या देखा। नंद बाबा ने कहा मैंने देखा तेरी गोद में एक सुंदर श्याम रंग का बालक पौड़ रहा है, और तुम्हारी स्तन पान करते करते ये दोनों धारों से दूध झरते झरते उसका कुर्ता भीग रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं लगा, सचमुच से तेरे गोद में कोई बालक दिखा। जसोदा बोले तू सुन सुना तुमने क्या देखा? बोले मैंने भी यही स्वप्न देखा, श्याम रंग का एक बालक मेरे पीछे पीछे माँ 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 करते करते कपड़े पकड़ करके बोले भैया मेरे को गोद में उठा ले, भैया मेरे को दूध पिला दे, मचल रहा था मेरे पीछे। मेरे को स्वप्न नहीं लगा, सचमुच से कोई एक बालक है। और उसी रात को ही मैया जसोदा ने गर्भ धारण किया, उसी है उसी में रात को गर्भ धारण की। पूरा ब्रज में हल्ला हो गया, क्या हल्ला हो गया? नंद के लाला होने वाले हैं। लेकिन उसका कुछ दिन पहले क्या हुआ, कुछ संत लोग आए थे गुप्त धाम से। जब संत लोग आए नंद बाबा को पूछे, बोले नंद बाबा इच्छा है कुछ दिन के ब्रज में रहने का इच्छा है, कोई स्थान मिलेगा? जो भैया कोई चिंता नहीं, रोटी पानी की तो कोई कमी है नहीं, हमारे यहाँ पर रहो, रमण रति में खाने पीने का कोई चिंता नहीं, यहीं पर रहो और डट कर खूब भजन करो। संत लोग बैठ कर भजन कर रहे थे। जब बैठ कर भजन करते रोज रोटी पानी नंद बाबा के घर से आता था, खा पी करके प्रभु के भक्ति कर रहे। कुछ लोग ब्रज के लोग निगरानी करने के लिए गए, ये बाबा लोग कर रहे हैं ये दिन भर खा करके हैं, मोटे छोटे हो रहे हैं और कुछ भजन भजन कर रहे हैं कि नहीं। जब उन्होंने देखा, देखा बाबा लोग चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे? बोले भैया नंद बाबा के घर में अभी तो कोई लाला नहीं भरे हुए, और इनके घर में कहते इनकी इतना दिन से रोटी पानी खा रहे, कोई तो बच्चा ही कब हुआ है, इनके घर में बच्चा कब होगा? कुछ लोग ये बात को सुन करके आए और आ करके श्री नंद बाबा को बोले, बोले बाबा ये किसको रखवा दिया यहाँ पर? कोई राम राम किसने किसने कुछ नहीं, हम देखने के लिए गए थे, एक ही चर्चा कर रहे हैं, नंद के छोरा कब है वो, नंद के छोरा कब है वो, तो आपस में यही चर्चा कर रहे थे। नंद बाबा बोले क्या तुम लोग ने सुना, तुम लोग क्या सुना है? बोले नंद के छोरा कब है वो संत लोग बोल रहे थे। बोले भैया जो ना करे लकीरी कहते सो करे फकीरी, समझ रहे हो, भाग्य में तुम्हारी जो लिखा हुआ है नहीं। अगर सचमुच से कोई भजन करने वाले संत हमें आशीर्वाद दे देता है ना, तुम्हारे भाग्य में जो नहीं है वो साधु दे सकते हैं। बोले भैया जब संत लोग कहते हैं मेरे घर में लाला कब है वो, जरूर मेरे घर में लाला हो, संतों का वाणी कभी झूठा नहीं होगा। भैया जितने माल हुआ उनको है रागड़ी और दाल बाट चूरमा को बढ़िया करके खिलाओ, संतों को खूब खिलाओ, खा कर खूब भजन करे। सचमुच से जब कुछ तो ब्रजवासी बोल रहे थे बाबा लोग का कोई काम धाम है नहीं, बैठी करके क्या कृष्ण कृष्ण राम राम कर रहे हैं। लेकिन नंद बाबा का तो उम्र हो गया, अभी तक बच्चा नहीं हो रहा था। लेकिन जब संत लोग ने भजन किया, संतों का आशीर्वाद से एक उम्र होता है ना, वो उम्र अगर बीत गया था माता गर्भ में बच्चा फिर नहीं आता है, लेकिन वो उम्र बीत गया था, लेकिन संतों की कृपा से मैया जसोदा गर्भ धारण की। पूरा ब्रज में हल्ला हो गया, भैया बाबा लोगों को आशीर्वाद में ताकत है। अभी जहां देखे ना बोले बाबा राम राम, कृष्ण कृष्ण दंडवत बाबा प्रणाम, खूब बाबा की खातिर दारी होने लगी, क्योंकि मैया जसोदा गर्भवती धारण की। अभी ब्रज में जय जयकार हो रहा है, ब्रज में है नंद बाबा के लाला होने वाले। पहले क्या होता था, बड़ी बूढ़ी माताएं कुछ लक्षण को देख कर बोल देते थे, तुम्हारे गर्भ में बेटा होगा ना बेटी होगी। एक बड़ी बूढ़ी माता से बोली, बोले भैया
तेरे घर में छोरा होने वाला है, हाँ बेटा होने वाला। बोले पता कैसे चला? बोला तेरा जो होठ है ना वो पीला पीला दिख रहा है, मतलब बेटा होने वाला। एक बड़ी बड़ी बोली, बोले तुम जब कुआरी थी जुड़वा केले तो नहीं खा ली थी? बोले क्यों? बोले लगता है तुम्हारा पेट में दो बच्चे हैं। बोले पहला बार बच्चा होने वाले तो दो तो बच्चे होंगे। भैया तो डर गई, बोले चिंता मत करो, राम जो करोगे अच्छो करोगे, इसलिए चिंता मत करो। है जब गर्भ में बच्चे रहे ना, आप देखना माता को चटपटी मीठा खट्टा चीज अच्छी लगती है। लेकिन भैया तो जितेंद्रिय थी, इनके मन में इच्छा हुई मैं तो खीर खाने की इच्छा कर रही। तो बड़े सुंदर गैया की दूध से खीर बनाई, घी डाल करके भगवान सालक राम को भोग लगवाए और मैया जसका खीर खिलाई। और देखो कल बता रहा था ना गर्भ संस्कार, माताएं ध्यान देने सुनो। गर्भ संस्कार मतलब है जब तुम्हारे पेट में बच्चा हो, अगर उस समय गीता रामायण भागवत आप पढ़ोगे, आप जो कुछ माता करेगा ना वो बच्चे के ऊपर वही संस्कार करेगा, वही संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ेगा। है रामायण देखे होंगे जब मैया सीता गर्भवती थी, अयोध्या में बड़े बड़े संत लोग आए, वहां पर साधु संघ हुई और भगवान राम बोले सीते जानते हो ये संत लोग क्यों आए? अभी तो गर्भवती हो, अगर इसी समय में तो सत्संग सुनोगे ये बच्चा बड़े संस्कार बन करके जन्म लेंगे। कोई हुए लव और कुश, देखे कि नहीं लव कुश, क्या बलवान क्या विद्वान क्या पंडित हुए, देखे कि नहीं कितने बलवान हुए। महाभारत को देखे हो? कौन कौन महाभारत देखे हो? सब देखे हो। जब महाभारत युद्ध हो रहा था इतने में अर्जुन दूसरे तरफ में युद्ध के लिए चला गया। अभी द्रोणाचार्य ने चक्र व्यूह रचना की, केवल अर्जुन का सिवाय उसको कोई भी नहीं जानते थे तोड़ना। लेकिन अभिमन्यु बोला मेरे को पता। बोले कैसे? बोले जब माँ और मेरे पिता कौन है? सुभद्रा और अर्जुन। जब सो रहे थे इतने में सुभद्रा अर्जुन को पूछे बोले ये चक्र व्यूह क्या होता है? तो अर्जुन ने चक्र व्यूह की बात बताई, कैसे भेद करेगा की बात तो बता दिए, लेकिन वापस कैसे आएगा बोलना चाह रहे थे इतने में उन्होंने सुभद्रा सो गए। फिर अर्जुन देखा सो गए और किसको सुना? कहते मैं जो माँ के पेट में था मैं उस समय में सुन सुनकर मैंने याद कर लिया, इसलिए मैं तो अंदर में भेद कर सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता। भीम बोले कोई चिंता नहीं, तू प्रवेश कर ले और मैं तुमको ले आऊंगा। अब महाभारत देखेंगे ये गर्भ संस्कार इतने बड़े संस्कार है, इसलिए पहले पहले क्या करते थे जब माता गर्भवती होती थी ना प्रभु की सुंदर सुंदर कथा सुनाते थे, ठाकुर का सुंदर सुंदर फोटो तस्वीर दिखा देते। क्यों? उसको जो देखे वही गर्भ के अंदर में वही संस्कार पड़ेगा। इसलिए आप लोगों ने देखना कभी कभी बच्चे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कभी कभी बच्चे बड़े गंदे होते हैं, बात नहीं सुनते। क्यों? बोले माँ की दोष है, गर्भ में बच्चे रहते हुए उसने भगवान की कथा नहीं सुने, उल्टा पुलटा फिल्म डिस्क पर ध्यान गंदी गंदी फिल्म देखोगे फिर तो बच्चे को पूरे वही संस्कार पड़ेगा। हैं बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए जसोदा मैया को बड़ी सुंदर सुंदर प्रभु की कथा सुनाते हैं, प्रभु की लीला देखती हैं, हैं प्रभु की फोटो देखती हैं। अभी नंद बाबा की एक बहन थी जिसका नाम थी सुमंगला, वो तो 6 महीना पहले आकर घर में जमकर बैठी। बोले क्यों? बोले भाभी गर्भवती है, घर में लाला हो, मेरे को खूब नवला की हार मेरे को मिलेगी। वो 6 महीना पहले के घर में भजन गए और घर का सारे काम आज को ये कर रही थी, नवला हार मिलेगी। अभी ऐसे लग रहा था मैंने आज रात को बच्चा भी जन्म हो जाएगा। पहले गांव में क्या होता था 8 बजते खा पी करके सो जाते थे, हैं और जल्दी जल्दी सवेरे उठते थे सबसे सब और भगवान की भजन करते थे, रामायण पढ़ते थे, यही करते थे। बोले एक काम करो 8 बजे तक तो सब जगे रहते हैं, उसके बाद में सो जाएंगे, लगता है आज रात को ही बेटा का जन्म होने वाला है। बोले 2 घंटा 2 घंटा ड्यूटी लगवा दो, जैसे 2 8 से 10 10 से 12 तक कीर्तन करे, ढोलकी दे दिया, मजरा दे दिया माताओं को। बोले बैठ कर क्या करो? बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
जमुना किनारा में जो गैया चरते है ना
तो जितने जमीनी जगह तो तेरे साथ नाम पर लिख दिया, ले सारे जमीनी जगह तेरा मालिक ही बन जा। बोले और क्या मिलेगा? बोले क्या? तो 9 लाख की हार दे दिया, सारी जमीनी जगह तेरे को दे दिया, और क्या? बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी है, बता और क्या मिलेगा? बोले ले ट्रेजरी का सारी चाबी का, तू ले ले जो इच्छा खोल कर ले लेना। लेकिन बोलो तो सही घर में क्या हुआ है? बोले भैया तेरे घर में लाला हुआ है। बोले श्री नंद के लाला की जय। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। नंद हुआ तो वहीं से भगे, भागते भागते आए और पहला बार जो बेटा का मुख दर्शन किया, इतने प्रसन्न हो गए, इतने कठोर तपस्या के बाद में आज बेटा का मेरे को मुख दर्शन करने को मिला। बोले भैया ये संतों के आशीर्वाद से मिला है, पहले ये संतों को बुलाओ और इनसे बच्चे को आशीर्वाद दिलाओ। संत लोग आए, बड़े सुंदर स्वस्ति वाचन पढ़ करके बच्चे को सबके सब आशीर्वाद दिया है, हैं? और उन्होंने नारी कटने से पहले उन्होंने संकल्प किया। बोले क्या संकल्प किया? बोले मैं 20 लाख गैया सींग को सोने में बढ़वा करके, खुर को चांदी में बढ़वा करके ब्राह्मण संतों को दान दूंगा, और 7 तिल का पर्वत चावल है मखमल वाले कपड़े से ओढ़ करके मैं संतों को दान दूंगा। मैंने संकल्प कर लिया। संकल्प करके बोले एक काम करो, जाओ नाई को बोल दी, ब्रजवासियों को निमंत्रण दे दो, घर में मेरे लाला हुआ है, सबके सब दर्शन करने के लिए आएंगे, ब्रज में तेरी सब बंसरी गाँव है। नाई गया, सब गांव में ढिंडरा पिटवा दिया। बोले नंद के लाला भयो है, सबके सब बधाई देने के लिए आओ। और जितने गोपियां थी ना, वो 6-6 महीना पहले 84 गज लहंगा चुंदन पहन कर बना करके पहले ही रख दिए थे, कहते नंद के लाला हो गया ना उसको पहन करके सब धज कर जाएगी है। जितने गोपियां थी सब अपना लहंगा चुंदन निकाल करके, और जितने गहना थी ना, आप लोग तो अब कोई पहन नहीं रहे, मैंने अपना मैया को देखा, आप लोग भी देखे होंगे, पूरा सर से लेकर प्यार था, पता नहीं कितना किलो वजन की पहले माता इस सोना चांदी महीना करती थी, हैं? है सारे को सारे निकाले, पूरा सर धज करके, और 3-4 मटकी में, एक में दूध, एक में दही, एक में मिश्री, एक में मक्खन लेकर के सर पर रख करके सबके सब गोपियां और जितने गोप लग थे बगल बंदी धोती कुर्ता पहन करके सुंदर पगड़ी बना करके सबके सब कृष्ण को बधाई देने के लिए जा रही थी। जब जा रही थी इतने में गोपियां कान में कुंडल पहन रही, ये कुंडल बड़ी जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों? बोले तुम पहुंचने से पहले, बधाई देने से पहले मेरे को छोड़ दे, मैं जा करके पहले कृष्ण को मैं दर्शन करूंगा। और चोटी में पहले माता है, चोटी में फूलों की माला से श्रृंगार करती थी, और एक भी जो फूल वो गिरते 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 गोपियों के चरण में गिर रहा था। बोले ये चरण में क्यों गिर रहा था? बोले इसलिए, बोले जो व्यक्ति, बोले जो व्यक्ति कृष्ण को दर्शन करने जा रहे हैं, कृष्ण को बधाई देने जा रही हैं, उनकी चरण की हमें पूजा करनी चाहिए, हैं? इतने में जितने गोपियां थी ना सबके सब मैया यशोदा को बधाई दे रही। इधर सुना, मैं बोलूंगा मैया यशोदा बधाई हो, आप लोग जोर से बोलना बधाई हो, बधाई, ठीक है? बोले मैया यशोदा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आनंद नहीं आया? और थोड़ा जोर से बोलो, बोले मैया यशोदा बधाई हो, मैया बोली बधाई हो, बधाई हो ब्रज की गोपियों, ये बुढ़ी उम्र में भी संतों के आशीर्वाद से मेरे को लाला का मुख दर्शन मिला, ये लाला मेरो नहीं, ये लाला तुम लोगों को लाला है। और जितने गोपियां थी ना सबके सब अपना हृदय से आशीर्वाद दे रही थी। बोले जुग जुग जियो ही जसोदा मैया, तेरो नयना जग जग जियो ही जसोदा मैया, तेरो नयना जग जग जियो ही जसोदा मैया, तेरो नयना जग जग जियो ही जसोदा मैया, तेरो नयना Yeah.
Yeah.
तुलसी नंद के लाला की अभी जितने गोपियां दिल हृदय से लाला को आशीर्वाद दे रहे थे हैं जुग जुग जियोनी यशोदा मैया सब आशीर्वाद दे रहे थे इतने में देखा सबके सब तो आ गए अभी नंद महोत्सव होगा लेकिन अभी एक व्यक्ति नहीं आए बोले कौन नहीं आए बोले राधा रानी की जो माँ श्री विश्वभर महाराज और उनका विश्वभर उनका पिताजी और कृतिका मैया उनको माता जी ये दोनों नहीं आए सबके सब आ गए बोले अगर ये आ जाए ना फिर ये नंद महोत्सव प्रारंभ होगा देखते देखते देखा ये दोनों प्रवेश किया जब प्रवेश किया कहते श्री जब प्रवेश करते ही कृतक मैया अपना सर के ऊपर में एक दही की मटकी एक दूध की एक मिश्री की एक घी की मटकी रखी थी एक गोप ने आए और डंडा लेकर के मटकी को मारते ही मटकी फूट गई और कृतिका सुंदरी दूध दही से स्नान करी जब स्नान करी एक दधिगादी मतलब है दही में हल्दी और उसमें घी मिला करके एक दूसरों के ऊपर लगा दे ये मंगलवाची एक दूसरों के ऊपर लगा रहे थे और इतने दूध दही लाए ना वहाँ तो खींच खींच हो गया ये सबके सब फिसल फिसल कर गिर रहे थे और मक्खन डेले की डेला उठा उठा करके एक दूसरों के ऊपर में मक्खन डेले की डेले फेंक रहे थे हैं एक एकदम वृद्ध गोपी आई थी बुढ़ी वो ऐसे देख रहे थे बोले भैया बड़े जोर से नंद उत्सव हो रहा है लेकिन वो एकदम 100 साल की बुढ़िया थी एक भी दांत नहीं एक गोप ने क्या क्या उठाया मक्खन की डेला और उसको मुंह पर लगा करके जोर से मारे और मारते ही एक तो दांत ही नहीं वो मुंह में लगा ना सीधा लगा था अंदर में सकल गई बोले भैया नंद महोत्सव में कोई तो भूखे ही नहीं रहते हैं कोई भूखे नहीं रहते हैं इतने में जब नंद बाबा का जो आंगन था नंद बाबा राजा है ना आंगन भी बहुत बड़ी है इतने दूध दही लेकर के आए थे ब्रज में नंद बाबा का घर में तो नला गया है फिर दूसरा दूसरा घर में भी गया एकदम आंगन भर गया दूध दही से और सबके सब गा रहे थे नंद के आनंद सबके सब ब्रजवासी नाच रहे थे लेकिन जो नंद बाबा ना वहाँ बैठ बैठ कर भटक भटक कर देख रहे थे वे जितने गोप थे बोले नंद बाबा आज तेरे घर में लाला भय हो रहे देख सारे ब्रजवासी तो नाच रहे हैं अब तू बैठ बैठ कर देख रहे हो कम से कम आज का दिन तुरंत नाच ले सारे जितने ब्रजवासी कौन से कहते नंदगांव और बरसान ये दोनों पकड़ करके आंगन को बीच में ले आए जब बीच में ले आए नंद बाबा देखने में कैसे बड़ी लंबी चौड़ी एकदम गौर भरने की बड़ी सुंदर थे देखने में हैं जब उन्होंने बीच में उनको खड़े कर दिए कहते बीच में जब उनको खड़े कर दिए बात मत चुप रहो इसलिए जब उन्होंने बीच में खड़े कर दिए वर्णना करते ही नंद बाबा तो बड़ी लंबी चौड़ी और पूरा के पूरा वहां पर दूध दही से आंगन भर गया था जब उनको बीच में खड़े कर दिया ना ऐसे लग रहा था मानो यहाँ पर खीर समुद्र मंथन होने जा रहा है कौन सा समुद्र खीर समुद्र मंथन होने जा रही है कल हम लोगों ने श्रवण किया था लवण समुद्र मंथन में सबसे पहले कौन क्या निकला 20 जिसको शंकर जी पान किया इसलिए कंठ में धारण कर लिया तो उनका नाम क्या बढ़ गया नीलकंठ महादेव की उनका नाम नीलकंठ नाम बढ़ गया लेकिन यहाँ पर सर्वप्रथम कौन प्रकट हो गए
मलिनंदस्तु आत्मत जाता लाद महामना। यहाँ पर तो आनंद खंड भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। कल हम लोग जो समुद्र मंथन सुन रहे थे वो लवण समुद्र, वहां पर 14 रत्न निकला है, लेकिन यहाँ पर कितना रत्न निकला? श्री सुखदेव गोस्वामी परिखित को कहते बोले रमा त्रिनन अभूत, ऐसे लग रहा था इतने रत्न निकला। नंद बाबा इतने हीरे जवाहरात साधु संतों को ब्राह्मण को दे रहे थे, ब्राह्मण लोग तो गठली बांध कर ले नहीं पा रहे, गठली की कोने से गिरते 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 हीरे जवाहरात जा रहा था। गोस्वामी जी वर्णना करते हैं ऐसे लग रहा था मानो भगवान कृष्ण जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी मूल लक्ष्मी राधा रानी मानो अली गलियों में लक्ष्मी नाच रही है क्योंकि मेरे स्वामी जन्म गए, मेरे प्रभु जन्म ग्रहण किए हैं। इसलिए वहां पर नंदा उत्सव में ये 33 करोड़ देवता लोग भी आए थे। वहां पर श्री भोले बाबा भी आए थे। भोले बाबा का बहन कौन है बोलो? नंदी। नंदा बाबा ने 20 लाख गैया दान दिया, खुर को तांसी में मड़वा करके, सिंह को सोने में मड़वा करके। आप समझाओगे 20 लाख कितना होता है, समझ रहे कि नहीं? 20 लाख उन्होंने गैया दान दिया। जब इतने गैया दान दे रहे थे इतने में भोले बाबा भी डर गए, बोले क्यों? ये 20 लाख गैया दान दे रहे हैं, हो ना हो भूल से, पर नंद भी तो गैया है ना, पर नंद भी बैल है, हो ना हो भ्रम से मेरे बैल को अगर दान में दे देंगे तो अभी मैं बैठ कर कैसे जाऊंगा। शंकर जी डर गए और नंदी को पूछ को पकड़ लिए, भैया मेरे बैल, मेरे बैल नहीं जाए, चले जाए दान में। वहां पर भैया पार्वती जी आई थी, पार्वती के 2 बेटे कौन कौन है? गणेश जी और कार्तिकेय। कहते ना हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया, उन्होंने इतना हाथी घोड़ा उन्होंने दान दिए, इतने में मैया पार्वती भी डर गई, बोले क्यों? बोले मेरा बेटा अभी तो गजानन श्री कौन गणेश जी, हो ना हो हाथियों को दान देते देते अगर मेरे बेटे को हाथी मान कर दे दे तो फिर मेरे बेटा चल जाएगा। इसलिए मैया पार्वती तो उनको गोद में ले गई थी ना, जोर से चुपका करके खड़ी हुई थी है। वहां पर स्वयं कुबेर, कुबेर कौन है? सारे धन दौलत स्वर्ग की ट्रेजरी जिनके पास में सारे, लेकिन नंद बाबा आज इतने दान दे रहे थे जिसको देख करके कहते श्री कुबेर का सर झुक गया। बल्कि इसलिए बोले भगवान मेरे को झूठ मूठ का स्वर्ग कुबेर क्यों बनाए? आज नंद बाबा इतने दान दे रहे हैं, भैया मेरे पास में भी इतने रुपया पैसा धन दौलत नहीं, इसलिए मेरे को झूठ मूठ को मैंने कुबेर बना दिया। वो लज्जित हो गई, बोले इतना धन दौलत आया कहाँ से? बोले जब स्वयं कृष्ण जन्म लिए स्वयं से राधा रानी भी वहां पर प्रकट हो गई, बोले आज मेरे प्रियतम जन्म लिए रिद्धि सिद्धियों का आदेश दिया, आज इतने दान दक्षिणा दिया जाए जब तक दुनिया रहेगा तब तक याद करे मेरे प्रियतम कृष्ण के उत्सव में नंद बाबा ने कितने दान दक्षिणा दिया। इसलिए सुत मागल और बंदी ये तीनों आए। सुत मतलब क्या होता है जो पौराणिक बोलने वाले, मागध मतलब होता है जो उपस्थिति जो विषय को जो वर्णना करने वाले, बड़े सुंदर सुंदर गा रहे थे नाच रहे थे और सारा दुनिया में कृष्ण की जय जयकार हो रही थी। एक भजन सुन लो कैसे सारे ब्रजवासी नाच रहे थे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओ लाला जन्म सुनाई रे, मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनाई रे, मैया दे दो बधाई, तो
Thank you.
देखा ये तो मेरी कंकाल देवी जो आप मेरा ये इष्टा है ये तो कभी झूठ बोलेगी नहीं, फिर क्या देवता लोग मेरे साथ में बेईमानी किया है, बड़े दुखी हो गया। फिर उन्होंने देवकी के पांव पर गिर गया, बोले बहन मेरे को क्या पता था ये देवता लोग भी झूठ बोलते हैं बेईमानी करते हैं, बिना कारण के तेरे में छह बच्चों को मैंने मार डाला, इसलिए मेरे अपराध को माफ कर दो। भैया ने कहा, देवकी बोले भैया कोई चिंता मत करो, भाग्य में जो होता है वही होता है, क्योंकि उनको पता मेरे जब बेटा है ना अभी जिंदा है, कहाँ पर है ये गोकुल में मेरे बेटा, इतने में कंस ने अपना जितने अनुजाइयों को बुलाए, अघासुर बकासुर पुतना प्रणा पड़ता ये सबको बुलाए, सबको बुला कर उन्होंने एक मीटिंग करवाए, बोले बताओ अभी मुझे क्या करनी चाहिए। इतने में पुतना खड़ी हो गई, बोले भैया मेरा नाम ही पुतना है, पुतना मतलब पूत ना, पूत मतलब होता है पुत्र, ना मतलब नहीं, बोले मेरा नाम ही पुतना है, पर पुत्र पुत्र क्या काम है। भैया तेरे को पता है मैं अपना मन मर्जी रूप धारण कर सकता हूँ, इसलिए कहीं भी तुम्हारी बच्चा जन्म होगा एक महीना के अंदर में ना, बोले हाँ, बोले मैं अपना रूप बदला करके एक बच्चे को मैं ब्रज में नहीं छोड़ना, सबको मैं खत्म कर दूंगा। इतने में पुतना है, पुतना आलोक वाला अग्नि राक्षसी रुधिरासना, इसलिए क्या करती थी बच्चों को खून पी जाती थी, ब्रज में हला हो गया किसी घर में कोई बच्चा नहीं रह रहा है। इतने में पुतना कहाँ आ गई, बोले कंस न प्रहित घोरा पुतना बालक आदि, ये कंस को द्वारा प्रेरित होकर के पुतना गोकुल में आ गई। हाँ देखो यहाँ पर हमारे टीकाकार बहुत अच्छी अच्छी बात इसमें बताते, एक इसका एक नाम पुतना, पूत मतलब होता है पवित्र, ना मतलब होता है नहीं, जो पवित्र नहीं अपवित्र है। अब ये अपवित्र कहाँ प्रवेश करती है, बोले नजत्र श्रवणा दिनी रक्षक नाम सुकर्म, जिनकी घर में प्रभु का भजन पूजा नहीं हो, जिस घर में ठाकुर का कीर्तन नहीं हो ना, उसी घर में सारे पाप प्रवेश करते हैं, लेकिन जिस घर में ठाकुर का कीर्तन हो भक्ति पूजा हो ना, वो घर में पाप प्रवेश नहीं करता है। इतना मंगल भवन मंगल हरि ठाकुर का नाम, लेकिन यहाँ पर तो साक्षात भगवान कृष्ण स्वयं है, फिर ये पुतना कैसे प्रवेश कर गई, ये पाप कैसे प्रवेश की, बोले ये ठाकुर की इच्छा है। अगर पुतना नहीं आती, अभी जो बैठ करके हम कथा सुन रहे रावण नहीं होता, रामा नहीं होता, कंस नहीं होता, कृष्ण लीला होता ही नहीं। जिन जिनियों को देखते हैं ये सबके सब भगवान की शत्रु है, लेकिन एक तरह से प्रभु को लीलाओं को ये मदद करने वाले ये लोग ठाकुर को इच्छा है। अभी जब पुतना आ गई बड़ी सज धज करके श्रृंगार करते हुए, क्या उनको सुंदर श्रृंगार, क्या उसकी चाल, क्या कपड़ा, क्या उसकी तिरछी चितवन, सुखदेव गोस्वामी अपूर्व रूप में वर्णना करते हैं, ऐसे लगता है मानो कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी स्वयं ये कमल गण से निकल करके ये माँ लक्ष्मी स्वयं आ गई। लोग देख देख कर आश्चर्य हो रहे थे, क्या कोई लक्ष्मी बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आई, ना कोई माता पार्वती आ गई है, हैं? इतने सुंदर थी। और उसने सीधा किया कि सीधा उसने नंद भवन में चली गई। जब नंद भवन में गई, इतने में मैया जसोदा और श्री रोहिणी कृष्ण को पलने में झूला रहे थे और बड़े सुंदर गीत गा रहे थे, बोले जियो श्याम लाला 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 आयो गोकुल में आयो नंद लाला Thank you.
की जय। इतने में पूतना आई, कोई बोल चाल नहीं, सीधा कृष्ण को पकड़ लिया। अब पकड़ करके बोले मैया जसोदे, इतने सुंदर लाला को थोड़ी सुलाते हैं, इसको तो गोद में लेकर लार लानी चाहिए, दूध पिलानी चाहिए। लेकिन जसोदा रोहिणी कुछ बोल नहीं पाई। बोले क्यों नहीं बोले? जैसे आपका घर में कोई अनजान कोई स्त्री आ जाए, तुम्हारी बच्चा सो रहा है, तुमको बिना बोले बच्चे को गोद में ले लेगा? अरे इन्होंने बोले नहीं क्यों? बोले इसलिए नहीं बोले, वो पुतना इतने सुंदरी बन करके आई थी, है लग रहा था जैसे अगर कृष्ण जितने सुंदर अगर इसके मैया बनने का लायक यही है, इसलिए उनको बोलने का हिम्मत नहीं हुआ उनकी। और जब गोद में उठा लिया ना, इतने में कृष्ण ने आंख बंद कर दिए। बोले उन्होंने क्यों आंख बंद कर दिया? हमारे टीकाकारों ने बहुत कारण बताए, बहुत कारण। आज हमने 5 कारण सुने और मैं अभी सुनाऊंगा, मैं कल आपसे सुनूंगा। जो बोल देगा ना, मैं इसको बढ़िया इनाम दूंगा। कृष्ण क्यों आंख बंद कर दिए? कौन बोल सकता? कौन बोल पाएगा? बोले हाथ लगाओ। हाथ नहीं पाएगा, देखना कल मेरे को कौन बोलता है। पहला कारण बताए कृष्ण क्यों आंख बंद कर दिया। अभी कृष्ण सोच रहे भैया जी है कौन, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत ना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग कठोर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन करने पर भी अंतिम समय में प्रभु का नाम प्रभु का दर्शन नहीं मिलता है। लेकिन इसने ऐसे कौन सा पुण्य की है? मैं स्वयं परम ब्रह्म परात्पर तत्व भगवान हूँ, लेकिन ये मेरे को गोद में उठा रही है, उनका दर्शन नहीं मिलता, लेकिन ये मेरे को गोद में उठा कर स्तन पान कराने के लिए जा रही है। इसलिए कृष्ण आग बंद करके उसको पूर्व जन्मों को चिंता कर रहे हैं, ये कौन थी, कौन सा पुण्य किया? देखा सचमुच से की पुण्यात्मा। बोले कौन थी? बोलो पुण्यात्मा। पुण्यात्मा पहले कौन थी? ये कौन थी? अभी मैंने सुनाया था ना पहले, कहती ये बलि महाराज की बेटी थी रत्नवाला। जब भगवान वामन अवतार में गए, प्रभु को रूप देख करके बोले अगर मेरे ऐसे के लाला होता ना, दिन भर में गोद में लेकर के लाल लड़ाती, इसको प्यार करती हैं। इसलिए बोले ये थी रत्नवाला, पूर्व जन्म में थी, हैं प्रभु का रूप देकर मुक्त हो गई थी। लेकिन जब भगवान ने क्या किया, जब 3 पग में सब कुछ ले लिया, 2 पग में, तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं, तब उन्होंने नागभास बंधन में बलिमान जी को बांध दिया। अभी वो बेटी सोचती है तो बड़ा दुष्ट है ये, तो खोटा छोटा सा लेकिन बड़ा खोटा निकला। मैं तो सोच रहा था मेरे बच्चा बन करके आएगा तो मैं प्यार करूंगी, ये तो मेरे पिताजी का सब के सब ले गया और क्या क्या बंधन में बांध दिया। बोले अगर तुम मेरे बेटे बन करके आओगे ना, तेरे को मैं दूध क्या जहर पिलाऊंगी, जहर में जहर पिलाऊंगी। वही अभी ये पुतना बन करके आई है, ये पुतना बन करके आई, ठाकुर जी को स्तन में जहर लेकर के प्रभु को जहर पिलाई। इसलिए प्रभु ने देखा सचमुच से ये पुण्यात्मा है, इसलिए ठाकुर जी आंख में देखी। कितना कारण हो गया? बोले एक कारण हुआ, एक कारण हुआ है। क्या दूसरा कारण क्या है? देखना बच्चों का एक स्वभाव, क्या स्वभाव? अगर अपना घर के परिवार के कोई हो ना, बच्चा खेलता कूदता खूब करता है, लेकिन कोई अनजान अगर किसी को देखे ना, देखना बच्चा डर करके आंख बंद कर देता है। इतने में कृष्ण ने देखा ये दादी की कहां से आ गई, इसको कभी देखो ना ये कहां से आ गई। इसलिए माना प्रभु ने डर करके उन्होंने आंख बंद कर दिया। कितना हो गया? तो तीसरा कारण बताए, तीसरा कारण बताए भगवान जगत में आए कि इसलिए आए। बोले परित्राणाय साधु नाम बिना साय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जगत। इसलिए भगवान युग युग में अवतीर्ण होते हैं, दुष्टों को विनाश करने के लिए, संतों को पालना करने के लिए। इसलिए अभी सबसे पहले भगवान कृष्ण किसको मारेंगे? पुतना को मारेंगे। भगवान राम सबसे पहले किसको मारे थे? इसलिए भगवान कृष्ण सबसे पहले किसको मारेंगे? पुतना को मारेंगे। जब पुतना को मारेंगे और सबसे पहले श्री गणेश करने जा रहे हैं ठाकुर जी, हैं? अभी सबसे पहले पुतना को मारेंगे, आए किसलिए? दुष्टों को मारने के लिए ठाकुर जी आए। अब ये पुतना को मारने वाले, लेकिन प्रभु सोच रहे हैं, यद्यपि प्रभु मारते हैं लेकिन प्रभु बड़े दयालु हैं। लेकिन ये जो पुतना आई है ये माँ की रूप धारण करके भी आई और भगवान को बात्सल्य रस से बोली मैया इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में झुलाते हैं, उसको तो प्रेम से इसको गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए। यद्यपि हृदय में दुष्ट भावना है लेकिन एक मिनट के लिए कृष्ण को प्रति माँ की भावना आ गई, कृष्ण को बच्चे रूप में उन्होंने देखा
भगवान ने देखे कोई भी बात हो मेरे को तो बात्सल्य रस से गोद में उठाया ना, उठाया है, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा। इसलिए इन्होंने बोले यद्यपि भगवान मारेंगे प्रभु जी, लेकिन तब ये माँ का रूप धारण करके आए ना, प्रभु ने देखा कि तभी छटपट आए, उतना छटपट करेगी, लेकिन इसको छटपट में कैसे देख सकता। इसलिए भगवान ने किया क्या, उन्होंने आंख को बंद कर दिया। कितना कारण हुआ, तीन कारण हुआ। इसका चौथा कारण बताए ना, इसकी चौथा कारण बताए आंख बंद करने का। कितने में भगवान जो पुतना स्तन में कालकुट चेहर लेकर के आई, लेकिन पुतना आप इस कालकुट चेहर पिलाएगी। इतने में मानो प्रभु आंख बंद करके भोले बाबा को याद किया, बोले भोले बाबा जल्दी जल्दी आ जाओ। बोले क्या बात, बोले क्या बात किया, तुम्हारा काम तो जहर पीना, कल शंकर जी जहर पिए थे ना, तुम्हारे काम है जहर पीना, और मेरा काम है दूध पीना, तुम तो जहर जहर को पी लो और मैं दूध दूध तुम्हें पी लेता हूँ। इसलिए ठाकुर जी ने क्या किया, आंख बंद करके उन्होंने किसको बुला रहे हैं, भोले बाबा को। इसलिए भोले बाबा को बुलाए, भगवान स्तन पान करेंगे ना, भगवान का पेट में कौन, हम आगे सुनेंगे अनंत कोटि ब्रह्मांड, ठाकुर दिखाएंगे ना ब्रह्मांड रूप। जब भगवान अभी बीस पानी पीने जा रहे थे, ये अनंत कर्ण ब्रह्मांड तरस उठे, बोले प्रभु ये कालकुट जहर स्तन में लेकर के आए, इसको मत पिया करो, पियोगे ना आपका गर्भ में विश्व ब्रह्मांड है, ये विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा, इसलिए प्रभु आप मत पिया करो। इसलिए उन्होंने क्या किए, भोले बाबा बोले भोले बाबा जल्दी जल्दी आओ, आप जहर जहर पी लो और मैं दूध दूध को पी लेता। कितना कारण हो गया, चार कारण। पंचमा कारण बताए, इसको मारने के लिए आए, मतलब ब्रज में बच्चों को मारने के लिए आए। अभी ब्रज में जितने बच्चे कौन है, कहीं कृष्ण की गोपियां राधा रानी कहीं जन्म होगी, ललिता विशाखा चंपकलता तुंगभद्रा चित्रा सुचित्रा रंगदेवी सुदेवी सब सखियां जन्म होगी, और जो लड़के हुए कौन, दाम वसुदाम श्रीदाम मधुमंगल स्तोक कृष्ण अर्जुन लवंग कृष्ण का सखा जन्म होगी। इसलिए भगवान ने किया क्या, जो माया तो करा ये पुतना को इधर उधर नहीं भेजा, वो सीधा अपना घर में ले आए। बोले क्यों, बोले अगर कहीं इधर उधर चला जाएगा फिर मेरे सखा सखियां मर जाएगा, इसलिए मेरे घर में आ जाए, हैं इधर आ जाएगा तो मैं ही उसका राम नाम सत्य कर दूंगा। इसलिए भगवान मानो आंख बंद किया, बोले दुष्टा यहाँ पर मेरे सखा सखियों को मारने के लिए आए हो, मैं तेरे मुंह देखना नहीं चाहता। इसलिए भगवान ने क्या किया, आंखों को बंद कर दिया। लेकिन हमारे टीकाकारों ने इसको पीछे 10 कारण बताए। कितना कारण बताए, 10 कारण, और कभी आएंगे तो उसको फिर और 5 कारण सुनना। अभी कृष्णा आंख बंद कर दिए, पुतना ने उनको मुंह में स्तन दिया, जब स्तन दिया भगवान स्तन क्या पान करेंगे, भगवान उसको प्राण को उन्होंने शोषण किया। जब उन्होंने प्राण को शोषण किया, बोले ये क्या हो रहा है, 6 दिन का बच्चा, कृष्ण कितना दिन के, 6 दिन का, बोले ये तो मेरे प्राण को शोषण कर रहा है। उसने कोशिश किया छुड़ाने के लिए, भगवान ने कहा देखो मैं सहज में जिसको पकड़ता है, लेकिन जिसको एक बार पकड़ लिया तो छोड़ना नहीं है, जब तक अपना चरण में नहीं पहुंचा तो हमें छोड़ने वाला नहीं। सारी ताकत उसने लगा दी, लेकिन प्रभु को उसने छुड़ा नहीं सकी। बोले भैया अभी क्या किया जाए, ये छोड़ नहीं रहा है। बोले अगर किसी तरह से उसको हम लेकर के गोकुल में चले जाए, मथुरा में ना, मेरे भैया कंस कुछ ना कुछ करेगा। इतने में पुतना तो असली रूप में आ गई, राक्षस रूप में आ गई, इतने भयंकर उसकी रूप थी, कृष्ण को पकड़ करके आकाश में उड़ चली मथुरा के लिए। कृष्ण ने कहा भैया तू मेरे पास में आए हो, तेरे को हम जाने नहीं दूंगा मथुरा। इतने में एक सुंदर बगीचा थी कंस का, वो बगीचा में बड़ी सुंदर सुंदर फल फूल, सबसे सुंदर फल फूल था, लेकिन कंस का निर्देश था ये जंगल का कोई फल कृष्ण और कृष्ण भक्त ब्रजवासियों को नहीं मिले, मेरे को और मेरे जितने अनुयायी सब राक्षस लोग इनको मिले। कृष्ण ने कहा भैया दुनिया तो मैंने बनाया, किसके लिए बनाया, मेरे भक्तों के लिए बनाया, अरे मेरे लिए बनाया, और तू क्या कहे तो मेरे और मेरे भक्तों को नहीं मिलेगा, सब दुष्टों को मिलेगा, अभी मैं दिखाता। उन्होंने पुतना को उड़ा करके उसे बगीचा पर ले गया। पुतना कितने बड़ी थी, बोले 3 गभ्यू थी, बोले एक गभ्यू थी होता है 6 मील, कितना होता है 6 मील, और 3 गभ्यू मतलब कितना हो रहा है 18 मील होती, इतना भयंकर। भगवान ने क्या किया, ब्रजवासियों का कोई खेती कुछ भी बिगड़ा नहीं, और उन्होंने लेकर के ना उसी बगीचा में पुतना को धड़ाम करके गिराया,
एक गिराया तो जितने पेड़ पौधा फल फूल सब खत्म, सब खत्म हो गए। देखो आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, आज एक शिक्षा यहाँ से लेकर जाओ। हमारे जो टीकाकार लोग कहते हैं, टीकाकार लोग कहते हैं कि दुनिया किसने बनाया, किसका दुनिया है, भगवान का। इसलिए उपनिषद कहता है बोले इसम सर्वम जत किंच जगत्या जगत तेना त्यक्त नभुंजिथा माँ दृढ़। ये उपनिषद कहता है बोले जगत में हम जो कुछ देख रहे हैं ये सब ठाकुर ने बनाया, हमने कोई चीज नहीं बनाया। इसलिए क्या करो बोले जो कुछ ग्रहण करते हो खाते हो पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी को तुलसी पता से ठाकुर जी को भोग लगाओ, वो प्रसाद को ग्रहण करो। अगर प्रसाद ग्रहण करोगे भगवान कहते हैं प्रसाद सर्व दुखान, जो व्यक्ति भगवान को भोग लगाकर खाएगा कृष्ण खुद कहते हैं गीता में उसको घर में कोई दुख कष्ट नहीं रहेगा। लेकिन भगवान कहते जो मेरे को भोग लगाए बगैर खा लेगा, कहते भुंजन दे तो अघम, कहते वो पाप भोजन करता है। मनु संहिता में तो बताया स्वान विष्टा, संस्कृत में समझते हो स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ता का पट्टी विष्टा खाना और दाल चावल खाना बराबर है, ये मनु संहिता कहता है। इसलिए जगन्नाथपुरी में एक नियम है अगर ठाकुर जी के भोग बन गए अगर किसी कारण से खराब हो गया ना जितने बना हुआ होगा फिर जहर हो गया उसको कोई मत खाया करो, उसको सीधा गड्ढे में गाड़ के उसको पोत देते हैं, कोई नहीं खाते हैं। इसलिए आप लोग एक चीज समझ ले करके जाओ, जो कुछ घर में भोजन बनता है पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, तुलसी पत्ता देकर भोग लगाओ। पहले हमने सुना था ना सुदामा जी गरीबी क्यों बना, जब गुरुकुल में गए थे कृष्ण सुदामा माता जी चना दिया तो सुदामा बोले देखो सुदामा कृष्ण को देकर खाना, हम टीवी में देखे कि नहीं, लेकिन सुदामा ने किया क्या, भगवान को बिना दिए खा लिया। इसलिए इतने दुख कष्ट जीवन में होगा, इतने दुख कष्ट होगा। पर धनी का बना जब ठाकुर जी के लिए दो मुठी चिड़ी वाले गिर गए, ठाकुर एक मुठी दो मुठी खाए तीसरे मुठी खाने जा रहे थे रुक्मिणी हाथ पकड़ी, नहीं रुक आपने दो मुठी खा लिया मतलब उसको घर में सारे रहा जल सर जब पहुंच गया, अगर तीसरी मुठी खाओगे ना मैं लक्ष्मी दासी बन गया। और जो वापस आया पत्नी राज रानी बनकर बैठी हुई, सोने की महल हजार हजार दास दासियां काम कर रही है, अपना पत्नी को भी नहीं पहचान पाई, उसका पति ने आरती उतारने के लिए आ रही थी। सुदामा बोली कि राजकुमारी मेरे तरफ में क्यों आ रही है, वो पीछे मुझे हट रहे थे। इतने में सुशीला बोली मेरे को पहचान नहीं पा रहे, बोले तू कौन, बोले आपकी मैं वही सुशीला हूँ, बोले ये सब किया है। बोले ठाकुर जी के लिए दो मिनट चिड़िया लग रही गए थे ना, ठाकुर जी राता रात ये त्रिभुवन राज्य दे दिया है। इसका मतलब अगर हम ठाकुर जी को भोग लगाकर खाएंगे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद, क्यों लक्ष्मी हमारी नहीं, लक्ष्मी किसकी है, लक्ष्मी नारायण की है। जब लक्ष्मी नारायण की कृष्ण सेवा में लगे फिर लक्ष्मी खुश रहती है और आशीर्वाद देती है। लेकिन अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाओ खुद बनाकर खुद चक कर लो फिर घर में भले ही पैसा आएगा लेकिन देखना वो घर में शांति से नहीं रहेगी। करोड़ रुपया आ जाए देखना भाई भाई की लड़ाई कोर्ट मामला लग जाएगी, उल्टा पुलटा काम में सारे पैसा जाएगी। क्यों, लक्ष्मी अभी ठाकुर की सेवा में नहीं लग रही, लक्ष्मी को तुम भोग करना चाह रहे हो इसलिए घर में लक्ष्मी शांति नहीं देती। इसलिए क्या करना बोलो, क्या भागवत से लेकर गए हो, लेकिन कोई कोई कहते हम तो भोग लगाते हैं, बोले कैसे, बोले ठाकुर को थोड़ी दूध नहीं तो मिठाई लगा देते हैं और प्याज लहसुन डाल डूब करके चकाचे नहीं, ऐसे नहीं करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए। जैसे समझो तुम्हारे घर में एक नौकर है, ये नौकर क्या करता है खुद बढ़िया बढ़िया बना बना कर खाता है, जो मालिक को ना वो जैसे तैसे बना करके मालिक को दे देता है। अगर ये मालिक को पता चले जाए ये नौकर मेरे घर में खुद तो बढ़िया बढ़िया बना कर खा रहा है और मेरे को ना जैसे तैसे खिला देता है, बताओ मालिक क्या करेगा नौकर, बोलो जोर से, घर से धक्का देकर निकाल देगा घर से। आप बताओ घर का मालिक हम ना घर का मालिक ठाकुर जी है, बोलो जोर से, ठाकुर जी हम उनकी सेवक है। लेकिन हम ठाकुर को क्या करते हैं सोचते हैं ये सब बेकूफ बैठा हुआ है यहाँ पर, ये कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं वो सब देख रहा है तुम्हारी तुम कर रहे हो क्या, वो कणकण में विद्यमान है। इसलिए क्या करो प्याज लहसुन को छोड़ दो, कल हमने सुनाया था ना प्याज लहसुन किया है, ये गैया का मांस से ये प्याज बना है, गैया की हड्डी से लहसुन बना है। इसलिए नवरात्रि आती है ना देखना घर में कोई प्याज लहसुन को कोई घुसाते नहीं, इसलिए ठाकुर को भोग में नहीं लगता, ठाकुर की कहीं सेवा में नहीं लगती। बोले क्यों,
बोले इसका सृष्टि गंधी चीज से इसका सृष्टि हुई है, हैं? ठाकुर जी को भोग में नहीं लगती है। जो चीजें ठाकुर नहीं खाते हैं वो चीज हमें भी नहीं खानी चाहिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, बोले स्वाद नहीं आता लसुन प्याज वगैरह, स्वाद नहीं आता, स्वाद नहीं कहती है। दो गुंडे हैं लसुन प्याज, दो गुंडे हैं। जैसे सब्जी की एक असली स्वाद है दाल सब्जी की, लेकिन प्याज लसुन डाल दो ना सारे स्वाद खत्म। वो प्याज लसुन की बदबू आती है। आप कुछ दिन प्याज लसुन मत खाया करो, आप देख लेना यहाँ प्याज कटके ना खड़े भी नहीं हो सकते वहां पर, इतने उसमें बदबू आएगी। कच्चा प्याज खाओ मुंह से इतना बदबू मारेगी सामने किसी बात नहीं कर सकते। यहाँ प्याज काटो बतेगा कहीं प्याज कट रही है, कहीं प्याज आंखों से आंसू भी आ जाती है। पहले कोई भी हमारे हिंदू नहीं खाते थे, इसे मुसलमान लोग खाया करते थे। इन लोगों ने सब चीज बोला है क्यों, हर हिंदू घर में पहले ठाकुर जी को भोग लगता था, ठाकुर जी को प्रसाद चौपाते थे। इसलिए हमें ये चीज को त्याग देनी चाहिए। त्याग देकर अच्छे तरह से कितने तरह तरह का मसाला हो गया, मसाला सुंदर सुंदर मसाला डालो, हींग डालो उसमें, जीरा डालो, टमाटर डालो, कितने तरह का मसाला डालो और बढ़िया करके बनाओ, ठाकुर को खिलाओ। देखो एक चीज समझो, आप बोलते हो स्वाद नहीं आता, एक चीज समझो, घर में मानो रोज प्याज लहसुन तुम्हारी बन रही है, क्या बन रही है? एक दिन कोई बढ़िया तिथि आ गया जिस दिन घर में प्याज लहसुन नहीं बनता है। आप देख लेना रोज घर में प्याज बनता है। जिस दिन कोई तिथि दीवार आ गई, जिस दिन ठाकुर के लिए बनता है भोग लगता है, देखना उसी दिन खाना में अलग स्वाद आता है। आता कि नहीं बोलो? आता है ना। तब है भगवान जब कोई चीज ग्रहण करते है ना वो तो अमृत बन जाता है, वो तो अमृत बन जाता है। मीरा को राणा ने भेजा 20 का प्याला, लेकिन मीरा क्या करते थे, जब तक तो गिरधर लाल को भोग नहीं लगाया वो खाती नहीं। बस उन्होंने गिरधर लाल को भोग लगाया तो वो अमृत बन गया, अमृत बन कर पी लिया, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कंस ने मना कर दिया, किस चीज की, किस चीज की मना की, यहाँ के कोई फल फूल कृष्ण कृष्ण भक्त की सेवा में नहीं लगनी चाहिए। इसलिए भगवान ने क्या किया, पुतना कूड़ा कर ले गए और वहीं पर फेंका, सब खत्म कर दिया। इसका मतलब है अगर हम ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगाएंगे फिर पुतना उड़ कर आ जाएगी घर आकाश में, फिर पुतना गिरेगी घर है, पुतना फिर गिर जाएगी घर में। इसलिए एक चीज लेकर के जाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर को भोग लगा करके खाना खाओ, देखो घर में पूरा शांति, घर में जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, प्रसाद खाओगे तो मन अपने आप सही बनेगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो शरीर में जब आग लगा दिया, देखना जब कोई व्यक्ति मरता है शरीर में आग लगना वो बदबू आती है, लेकिन चूंकि ठाकुर जी तन को पान की, जब उसको शरीर में आग लगाए ना चंदन अगुर कर्पूर की सुंदर खुशबू आ रहा था, बड़ी सुंदर खुशबू आ रहा था। वो खुशबू सुनकर के सारा दुनिया के लोग इकट्ठे हो गए और ठाकुर जी के सबके सब ठाकुर का दर्शन कर लिया। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देखो भक्ति करना तो भगवान कृष्ण को पूजा भक्ति करो। बोले क्यों, देखो कितनी अच्छी बात कहते, बोले पुतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासया अपि असाध्य। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये पुतना तो अंदर में सारे असद गुण का किनारे है। पहला नंबर क्या थी, बोले पुतना, पुत मतलब पवित्र, नाम मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं थी अपवित्र थी। दूसरे नंबर में ये करती थी क्या, बोले बच्चों का खून पीते थे दूसरे नंबर। तीसरा नंबर में ठाकुर जी के लिए क्या लेकर के आई थी, स्तन में जहर। चौथा नंबर में ये कौन थी, राक्षसी हैं, राक्षसी। लेकिन इसके अंदर में सारे असद गुण थे, लेकिन देखो कृष्ण कितने दयालु, लेकिन भगवान ने उसको अंदर में ना कोई कुगुण को दिखाई नहीं, ठाकुर जी कोई असद गुण को दिखाई नहीं, इतने पापी इस चीज को नहीं देखा। लेकिन ठाकुर जी क्या किए, चूंकि माँ की रूप केवल धारण करके आई थी, केवल नाटक उसने की, ठाकुर जी उसको अपना गोलोक वृंदावन में स्थान दे दिया। इतने कृष्ण दयालु,
तब हमारे टीकाकर कहते हैं अगर उतना जैसे अपवित्र रहने वाली अगर उसको ठाकुर जी गोलोक वृंदावन दे दे, अगर कोई ठाकुर के पास में जैसे आप लोग आए हो गिरिराज की पूजा के लिए अच्छे अच्छे कपड़ा पहन कर गया है, पर ठाकुर जी को क्या नहीं, ठाकुर जी के लिए लाए थी क्या, बोले जहर, जो जहर लाई थी, अगर ठाकुर इतने ऊंचे पद दे रहे हैं आप आज क्या लेकर के आए घर से, क्या क्या लेकर के आए, ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आए, ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आए, पर ठाकुर तुमको क्या नहीं देंगे, जो ठाकुर जी के लिए प्रीति से थोड़ी रसोई बना करके लाई होगी, हैं? ठाकुर जी जो अभी गिरिराज की पूजा होगी ना, कि कृष्ण स्वयं कहते मेरी ये गिरिराज पूजा में जो एक अन्न की दाना लगा दी, ये भगवान के मुंह से निकली हुई वाणी, एक अन्न की दाना ये अन्नकूट उत्सव में देगा, कद किसी जीवन में, कद इसी जीवन में नहीं, किसी जीवन में भी उसके घर में अन्न और वस्त्र की कभी कमी नहीं पड़ेगा, उसके घर में मां लगी भरपूर रहेगी, इतने कृष्ण दयालु हैं। तीसरा नंबर में यदि करती थी क्या, मतलब बच्चों को खून पीते, बच्चों को खून पीती थी, इसलिए कहते भगवान जब इनको इतने बड़े कोष दे देंगे, अगर थोड़ी सी अगर कोई प्रभु को प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक करे, पर ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे, हैं ठाकुर जी इसको क्या नहीं देंगे, ठाकुर जी इसको सब कुछ दे देंगे, ठाकुर जी बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री हरि। हमारे बीच में हमारे क्या नाम तुम्हारा, राहुल, राहुल मैंने क्या नाम किया, प्रेमानंद दास प्रभु जी, हाँ ये थोड़ी सी आपको कथा सुनाएंगे, इनकी जो टॉपिक है भगवान है क्या नहीं, कभी कभी हमारे मन में शंका हो जाती है ना, क्या सचमुच से भगवान है, जो चीज देखा नहीं हम कैसे इसको मान सकते, अच्छे तरह से माताएं ध्यान दे कर सुनो, हम चाहते हैं हमारे जो सनातन धर्म है ना, देखो हम लोगों का जो उद्देश्य है जगत में हमारी सनातन धर्म हमारे हिंदू धर्म जगत में प्रचार प्रसार हो, जगत में प्रचार प्रसार हो, देखो आपको पता होगा कि नहीं होगा कि जो मुसलमान लोग हर साल में 10 लाख हिंदुओं को ये मुसलमान बना रहे, अंदर अंदर जो क्रिश्चियन लोग को आप देखोगे घर घर में जा जाकर प्रचार करके उनको विदेश से पैसा आता है, ध्यान देकर सुनो, विदेश से पैसा आता है, वो हमारे हिंदुओं को लोभ दिखा करके हर साल में 10 लाख हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रहे, लोभ दिखा करके, मुसलमान क्या कर रहे हैं 10 लाख हिंदुओं को मुसलमान बना रहे, लेकिन हम चाहते हैं देखो, इसलिए हम एक एक बात को अच्छे तरह से बताते हैं, हम आपको पक्के बनाना चाहते हैं, आपको हम पक्के बनाना चाहते हैं, ऐसे नहीं लोग में आके क्रिश्चियन हो गए तो तुम मुसलमान बन जाओ, हमें धर्म रक्षा हो, हमारे धर्म रक्षा होनी चाहिए, अगर आप लोग रक्षा नहीं करोगे ना, एक दिन जैसे एक एक इंडोनेशिया पहले हिंदू लोग थे, एक दिन हिंदू नहीं से मुसलमान, पूर्व बंगाल पहले हिंदू लोग थे उनको खदेड़ दिए, एक दिन देखोगे इंडिया से भी तुमको खदेड़ देंगे यहाँ से, और तुम लोग यहाँ रह नहीं सकते, इसलिए क्या करो अपना धर्म का प्रति एकदम कठोर बनो, कठोर बन करके अपना धर्म को स्वयं पालन करो और दूसरों को भी भगवत भक्ति धर्म में सबको प्रवर्तन करो, सबको भक्ति में सबको लगाओ, ठीक है ना, इसलिए मैं इतने जोर जोर से ठोस ठोस करके की बात को बताता हूँ, क्योंकि हम साधु हैं, हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं आप लोगों को भक्त बनाने के लिए, आपसे कुछ लेने के लिए नहीं, आप कुछ हम देने के लिए आए, अगर हमसे ये चीज अगर भक्ति ले पाए तो हम समझे कि भैया हमारी कथा करना यहाँ सार्थकता हो गया है, क्यों हम लोग प्रभु का प्रेम में प्रभु की भक्ति में लग गए, मैं ये भी चाहता हूँ आप यहाँ जितने लोग आए हो जैसे हमारे श्री लोकेश प्रभु जी घर में कथा कराए, इसलिए हम चाहते तुम लोग भी अपना घर घर में गाँव में इसका प्रोग्राम रखो और गाँव वालों को बुलाओ, ठीक है ना, गाँव वालों को बुला करके वहां पर भी कथा रखवाओ, सब गांव व्यक्ति को बुलाओ, क्योंकि हम जगत में ये सनातन धर्म को जगत में प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं, हमारे धर्म जगत में कौन चाहता है प्रचार हो हमारे सनातन धर्म, हाथ उठाओ तो, इसलिए आप लोग भी हैं, आप लोग भी क्या करना, हम लोग को बुलाना तुम्हारे गांव-गांव में और वह भागवत कथा रखवाना, वहां पर कोई मंदिर होगा ना भागवत कथा रखा, देखो जैसे लोकेश प्रभु ने कथा रखवाया, अब कितने लोग इसमें परिवर्तन हुए, कितने लोगों प्रभु की चरण में, कितने लोगों को भक्ति में मन लगेगा, तो इसका पुण्य किसको मिलेगा, लोकेश प्रभु को मिलेगा, इसलिए इनके जोरदार ताली बजाओ सबके साथ।
लेकिन आप लोग भी कोशिश करना, आप लोग भी हम लोग को बुलाओ और हम लोग वहाँ पर आएंगे और भगवान के बारे में बात करेंगे, हमारे कृष्ण राम के बारे में बात करेंगे और सबको हम भगवान की भक्त बनाएंगे, ठीक है। उड़ी वृंदावन अभी ये बच्चा जो क्लास देगा, जितना बच्चे है ना माता है, अच्छे तरह से सुना, ये क्लास का नाम है क्या सचमुच से भगवान है क्या नहीं, इसी विषय पर ये बोलेगा। आप ध्यान से सुना है और कुछ लेके भी जाना, ठीक है, बोलो। तो बच्चे भी सुनना, सबरे सो जाते हो आते ही क्लास में। ओम ज्ञान दिविनांदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा विषय क्या, भगवान है या नहीं, ये इतना बड़ा प्रश्न है। इसके कारण हमारा सनातन धर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है पता है आपको? क्योंकि अगर कोई दूसरी व्यक्ति हमसे बोलता है, अरे भाई तुमने कभी भगवान को देखा है, तुम मंदिर जा रहे हो, आप लोग मंदिर तो जाते होंगे, मंदिर जाते हो, तो आपसे अगर कोई व्यक्ति पूछता है मंदिर जा रहे हो, ठीक है, आपने कभी भगवान को देखा है, तो आप क्या बोलते हो? नहीं देखा है ना, नहीं देखा, यही बोलते हैं ना सब। प्रैक्टिकली आंसर यही है कि नहीं देखा, हमने किसी ने भगवान को नहीं देखा, ठीक है। अब वो व्यक्ति क्या है, नास्तिक है, उसे अपने धर्म कन्वर्जन करना है हमारा धर्म, तो वो क्या करता है, वो करता है आपको ऐसी बातें बोलकर उलझा देगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ भगवान को किसने देखा है भाई। जैसे आजकल बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे पूछो किसने देखा गीता भागवत, किसने लिखी शास्त्र, किसने लेके फेर बदल कर दिए होंगे, किसने किसको बता, ऐसी ऐसी बातें करता है। हमारे धर्म पे हमारे को विश्वास नहीं है। देखिए ये क्रिश्चियन लोग कैसे हिंदुओं को बुद्धि खराब करते हैं, देखिए एग्जांपल देता हूँ। ये भोले भाले लोगों के पास में जाते हैं, कहते बोले हनुमान तुम्हारे ठाकुर जी, बोले हाँ हनुमान तुम्हारे ठाकुर जी, बोले पानी लाओ, पानी में उनका ठाकुर जीसस है, वो लकड़ी से बना हुआ होता है, बोले पानी में डूबो करके देखते हैं किसका ठाकुर तैरता है, किसने ठाकुर डूब जाता है। ये मतलब जो भोले वाले लोगों को कैसे बुद्धि भ्रष्ट करते हैं, बोले पानी लाओ, पानी लाकर हनुमान जी पत्थर में बने हुए होते हैं, जब पानी में डूबते हैं हनुमान जी पानी में डूब जाते हैं, और उनका जो ठाकुर जिसे कृष्ण को बना हुआ किसने लकड़ी से जब डालते हैं तो लकड़ी तैरता है, वो लोग क्या कहते हैं, देखा तुम्हारी भगवान डूब गए, हमारे भगवान तैर रहे, तुम्हारी भगवान जब जो स्वयं डूब गया तुम वो क्या उद्धार करेगा, जो तैरता है वो क्या करेगा तुम्हें तारेगा। ये भोले वाले लोगों को बुद्धि ऐसे भ्रष्ट कर देते हैं। लेकिन कोई एक संत थे, बोले देखो हमारे ठाकुर जी ऐसे नहीं, हमारे ठाकुर जी पक्के हैं, बोले कैसे पक्के हैं, सुने ये चीज को, बोले हमारे ठाकुर को अग्नि से परीक्षा करा जाता है, अग्नि में डाल करके हम देखेंगे किसका ठाकुर जलता और किसका ठाकुर जलता है, उनका जिसस कैसे है लकड़ी से, अग्नि में डालो तो क्या होगा जल करके राख हो जाएगा, हनुमान जी कैसे बने हुए पत्थर में, अगर डालो तो क्या होगा चमकेंगे, फिर वो चमकेंगे, बोले हमारे ठाकुर जी पानी में से नहीं, हमारे ठाकुर जी को पता कैसे चलता है, अग्नि से चलता है, संतों ने उनको जाकर समझाया। इसलिए लोग ऐसे भोले वाला लोगों को बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। आप भी ऐसे बोलते अभी प्रभु जी इस विषय पर प्रभु जी बात करेंगे। हरे कृष्ण। तो क्या किस टॉपिक पे थे कि कोई भी आता है और हमें बेवकूफ बना जाता है, कोई भी क्रिश्चियन आया मुस्लिम आया हमारे को कन्वर्जन कर देता है हमारा, कैसे, क्योंकि हमें क्या है भरोसा ही नहीं है कि भगवान है या नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने गीता भागवत रामायण हमारे पुराण वेद वगैरह पढ़ना क्या कर दिया, बंद कर दिया, बिल्कुल बंद, अरे बेकार की चीज है। और जो वेस्टर्न कल्चर करता था पहले, सिर्फ आहार निद्रा भय बैथुन, ये चार चीजों में हमारे को पूर्ण रूप से डूबा दिया वेस्टर्न कल्चर ने। अब हम भगवान को भूल चुके हैं, भगवान क्या हो गए, हाँ हमारे पूर्वज मानते थे ऐसे ढोक देते थे तो हम भी ढोक लेते हैं, हाँ भाई भागवत है उसको प्रणाम करना है, साधु संत आते हैं उनको थोड़ा प्रणाम करना है हम भी वैसे कर लेते हैं, इतना सा बस हमें पता है, और हमें ये भी नहीं पता कौन भगवान है, कौन देवी देवता है, किसकी आराधना करनी चाहिए किसकी नहीं, है ना। ये सब हमारा जो हमें नीचे गर्त में लेके गए हैं, ये सब दूसरे जैसे वेस्टर्न कल्चर और मुगल लोग, ये सब हमें लेके गए, और हमें विश्वास ही नहीं था हमारे भागवत धर्म पे,
तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बताइए कि मनुष्य है और बाकी 84 लाख योनि है, मनुष्य और जानवर पशु इनमें किस प्रकार से आप भेद करेंगे कि मनुष्य कैसे श्रेष्ठ है एक जानवर से, बताइए। बुद्धि से। बताइए बुद्धि। एक बताइए आंसर दीजिए। अच्छा बुद्धि भक्ति बुद्धि तो लोमड़ी में भी होती है, भगवान का नाम बंदर में भी होती है, बुद्धि भजन कीर्तन कर सकता है मनुष्य, है ना। तो देखो कुछ आंसर आया। अच्छा तो देखो एक श्लोक बताते हैं हमारे वेद पुराणों में, क्या बोलते हैं, आहार निद्रा भय मेथुनम च समाने तत् पशु विनराणा धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हि ना पशु भी समाना। क्या बोल रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन ये 84 लाख योनि का हर प्राणी करता है, करता ही नहीं करता, आहार खाते पीते हैं सब, है ना, एक कुत्ता भी खाता है और हम भी खाते हैं, पर ये हम टेबल पर बैठ के खाते हैं, सेटिस्फेक्शन बिल्कुल बराबर ही है। दूसरी चीज क्या है, भय। भय क्या है, सब डरते हैं, अगर आपके ऊपर कोई विडंबना आएगी कोई मुसीबत आएगी तो आप भी, आपको भय लगेगा, अपनी रक्षा करोगे, करोगे नहीं करोगे, ये भी अगर कुत्ते के पास भी ऐसा होगा तो वो भी करेगा, तो ये भी हमें सेम है। फिर क्या है, मैं तो बच्चे पैदा करना, ये भी सब करते हैं, हमसे ज्यादा जानवर करते हैं, है ना। चौथा क्या है, निद्रा, सब सोते हैं ना, आप भी सोते हो, जानवर भी सोते हैं, बल्कि जानवर चैन की नींद सो रहे हैं, आजकल हमारे को नींद के लिए भी डिप्रेशन की पिल्स जो आती है ना वो लेनी पड़ रही है, नींद की गोली ना, उससे हमारे को नींद आती है, हमारी स्थिति जानवरों से भी बुरी है इन सब चीजों में। लेकिन एक ऐसी वस्तु है जो क्या करती है, मनुष्य को और पशु को अलग करती है, वो क्या है बताइए, भक्ति। भक्ति क्या है, हमारा धर्म, धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म के बिना एक व्यक्ति के अगर पास धर्म नहीं है ना तो वो क्या है, एक जानवर के समान ही है, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। और बताया कि वास्तविक धर्म क्या है एक जीव का, जीव कौन है, तो जीव कौन है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश। क्या है, जीव जो है भगवान का नित्य दास है, ये हमारा वास्तविक है, क्या है, स्वरूप है। अब हम क्या है, अब हमारा स्वरूप है कि हम भगवान के दास हैं, तो अब हमारा कुछ धर्म भी है ना, तो वो धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करना ही हमारा क्या है, एकमात्र धर्म। अब ये केवल मनुष्य कर सकता है, बताओ कोई जानवर माला जप कर सकता है, राम राम बोल सकता है, बताओ मंदिर जाएगा ढोल लगाने नहीं जाएगा ना, साधु संत की सेवा कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन ये मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है, कैसा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, धर्म कर सकते, धर्म जो है ना वास्तविकता में वो धर्म का पालन ये मनुष्य जीवन में, बाकी अगर धर्म नहीं है, अगर आप अपना पूरा समय इन चार चीजों में लगा रहे हैं सुबह से शाम तक और बोल रहे हैं कि अरे मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता भगवान का नाम लेने का, तो आप सभी हम सब किसके समान है, पशु के समान ही है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है जो कि आज का टॉपिक है, क्या है, अरे भगवान, भगवान की सेवा, बेवकूफ हो गए आप, बताओ, ये जीवन मिला है, बढ़िया ऐश्वर्य मिला है, जानवरों से पृथक हम इसलिए हैं भाई, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, हम डिस्को में जाके डांस कर सकते हैं, है ना, हम पूल पार्टीज कर सकते हैं दोस्तों के साथ, भाई ये भी नहीं करता जानवर, है ना, नहीं करता ना, तो भाई इसमें क्या श्रेष्ठता है बताओ, कुछ नहीं है ना। लेकिन वास्तविक जो धर्म है भगवान की भक्ति, वो कौन कर सकता है, एक मनुष्य कर सकता है, तो धर्म क्या है, भगवान की भक्ति। अब यहाँ पे प्रश्न उठा, किसने देखा भगवान, किसने देखा भगवान, आप में से किसी ने देखा, हाँ किसी ने नहीं देखा, अगर भगवान दिख जाएगा ना तो हम घर पे नहीं रहेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे और केवल भगवान को ही स्मरण करेंगे, ठीक है, हरे कृष्ण भाग्यवान। तो देखिए भगवान, ये साइंस जो है सबसे ज्यादा मूर्ख, हमें साइंस ही बना दी है,
डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या हम बन रहे हैं साइंस के पीछे। सबसे बड़े मूर्ख हमें बनाने वाली कौन है? साइंस ही। इसने हमें भ्रम में डाल दिया, हर चीज के बारे में पूछती है। प्रैक्टिकल बताओ, मैंने जो चीज देखी नहीं वो मैं कैसे मान लूं? साइंस यही बोलती है ना, हर साइंटिस्ट यही बोलेगा। उसको कुछ भी बोलोगे ना, कुछ नई चीज बताओगे तो पहले हो गया भाई मुझे पहले दिखाओ, पहले मुझे दिखाओ कि ये वस्तु है कि नहीं। जब मैं अपनी आंखों से देखूंगा या फिर किसी भी अन्य इंद्रिय से सुनूंगा तब जाकर मैं इस पे विश्वास करूंगा, है ना। लेकिन एक बात बताइए, क्या वास्तविकता में हम जो इन पांच हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियों से हम ज्ञान लेते हैं, कौन कौन सी? आंख, कान, नाक और त्वचा और जीभ, ये पांच ज्ञान इंद्रियां। ये क्या हमारी परफेक्ट है? नहीं। क्या परफेक्ट है हमारी ये पांच इंद्रियां? बताया, एक ग्रंथ है हमारा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का जैव धर्म, उसमें बताया कि एक जो जीव है उसमें चार प्रकार के दोष होते हैं। कौन से दोष है जीव में? भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, तर्णपात। ये चार प्रकार के एक जीव में दोष है। भ्रम क्या है? भ्रम सबसे पहले एक वस्तु में दूसरे वस्तु की प्रतीति। इसका उदाहरण क्या है देखो, मान लो हम रात में टॉयलेट जाने के लिए उठे, रस्ते में एक रस्सी पड़ी थी। क्या पड़ी थी? रस्सी पड़ी थी। कोई सोना वाला, आराम से सुनना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट विषय है। रास्ते में एक रस्सी पड़ी थी, हमने क्या सोचा? एकदम से दिखा हमें आके ऐसे ऐसे झूलते हुए जा रहे थे नींदों में, पर हमने एकदम से देखा, क्या देखा? अरे सांप, उठ करके भगे। अब जैसे लाइट जलाई तो क्या दिखा पता चला? रस्सी। अरे मैं तो यूं ही डर रहा था। तो क्या हमारी आंखें परफेक्ट है? नहीं है। एक रस्सी को हमने क्या समझ लिया? सांप। दूसरी उदाहरण देते हैं, मिराज जानते क्या होता है? मिराज होता है ना कि रेगिस्तान में देखते हैं आप, दूर से पानी नजर आता है, कई बार रोड पे भी दिखता है गर्मी के मौसम में, वो मिराज होता है। तो जो मिराज होता है हमें कैसा प्रतीत होता है? जैसे तो बहुत पानी है बाहर सामने गर्मी की वजह से, है ना, लेकिन जैसे पास जाते जाते वो और दूर जाता जाता है, क्योंकि वास्तविकता में वहां पानी नहीं। तो हमारी इंद्रिया हमें क्या दिखा रही है? धोखा दे रही है ना हमारी इंद्रिया, उस वक्त झूठ दिखा रही है ना। तो हमारी आंखें क्या है? ये भी धोखेबाज है, यानी इनमें भी एक दोष है। कौन सा? भ्रम। ये सब याद कर लेना, कोई भी बोले ना अगर सनातन धर्म के विषय में तो उसके मुंह पे थप्पड़ मारना, ये सब आंसर देगी, है ना। तो ये हमारी आंखें कैसी हो गई? भ्रमित, अपूर्ण हो गई ना, उस वक्त धोखा दे दिया हमें इन आंखों ने, है ना। तीसरा उदाहरण भी एक और देखो, देखो अभी ये दीवार है, मान लो पूरी दीवार है, कोई गेट नहीं कुछ नहीं, इसके पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? नहीं देख सकता ना। अब मैं एक साइंटिस्ट को यहाँ पे लेकर आऊ और उससे बोलूं, भाई इस दीवार के पीछे एक व्यक्ति खड़ा है ना, अब यहाँ पे देखना आपको आंसर मिलेगा, भगवान एग्जिस्ट करते नहीं करते। मैं बोलूं कि एक व्यक्ति खड़ा है इस दीवार के पीछे है? तो कोई भी अभी नहीं मानेगा, भाई मेरे को दिखाओ। तो मैं क्या करूंगा? उसको अन्य रस्ते से लेके जाऊंगा, देखो ये रहा वो व्यक्ति। अब क्या हम उस दीवार के पार उस व्यक्ति को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे ना। तो देखो हमारी आंखें हमें यहाँ पे फिर धोखा दे रही है, नहीं दे रही। जब हम एक दीवार के पार एक व्यक्ति को नहीं देख पा रहे, उसे देखने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रोसेस का क्या अवलंबन करना पड़ेगा, एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी कि भाई जिस रास्ते पे गेट है वहां से जाकर पीछे दीवार पे जाकर और क्या करेंगे, उस व्यक्ति को हम देखेंगे, प्रोसेस है ना। तो इसी प्रकार का एक प्रश्न शिला भक्ति दाई माधव गोसाई महाराज जी हमारे उनसे किया था किसी व्यक्ति ने, कि भगवान तो हमें दिखते ही नहीं, आप क्या भगवान भगवान करते रहते हैं? वो पीएचडी होल्डर था, तो उन्होंने बोला, बड़ा अच्छा उत्तर दिया महाराज जी ने। क्या उत्तर दिया? देखिए जो वैष्णव होते हैं ना, वो इस जगत की बुद्धि नहीं होती उनकी, उनकी बुद्धि बहुत सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि उनमें भगवान के ही गुण होते हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि देखो एक बच्चे को लेकर आता हूं, ठीक है, तुम क्या उसे जिस लेवल पे आज तुम पहुंचे हो पीएचडी लेवल पे, क्या तुम उसे एक ही दिन में करा सकते हो? अगर मैं बोलूं आप में से कोई आज ही पीएचडी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। उसका क्या प्रोसेस है? पहले 4 साल अपनी बैचलर डिग्री लो, फिर उसके बाद एमटेक करो, फिर पीएचडी करो। तो ये अपन को 6-7 साल बिगाड़ने पड़ेंगे, लेकिन नहीं करेंगे उसको। पीएचडी को प्राप्त करने के लिए, डिग्री को प्राप्त करने के लिए
हमें हमारे 6-7 साल बिगाड़ने पड़ेंगे। तो ये हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ना, तो उसी प्रकार से एक बार बताइए आप किसको देखना चाहते हैं? भगवान। कौन है भगवान? जिनके मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि के ब्रह्मांड है वो जिनके मुख के अंदर। तो क्या आप इतनी आसानी से एक ही बार में भगवान के दर्शन कर सकते हैं, वो भी इन अपूर्ण इंद्रियों से? अर्जुन को भी भगवान ने दिव्य नेत्र प्रदान किए थे अपने विराट रूप के दर्शन करने के लिए, किए थे कि नहीं किए थे? तो फिर हम ये जीव जिसके अंदर इतने सारे दोष हैं, क्या वो भगवान के दर्शन कर सकता है इतनी आसानी से? नहीं कर सकता ना। अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। अकबर और बीरबल सब जानते हैं, कौन नहीं जानता हाथ ऊंचे करो। अकबर बीरबल को सब जानते हैं, चलो फिर तो और इंटरेस्ट आएगा ना। अकबर और बीरबल की एक कहानी सुनते हैं यहाँ पर। अकबर राजा का, बीरबल क्या था? उसका एक सेवक था। अकबर ने उससे एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? कि देखो तुम कहते हो भगवान है, तुम्हारे को मैं 2 दिन देता हूं, मुझे बताओ कि भगवान कैसे दिखते हैं और अभी इस समय पर क्या कर रहे हैं। क्या पूछा उसने? भगवान है और क्या कर रहे हैं इस समय पर। तो उन्होंने ये उत्तर दिया उस वक्त के, देखो मैं अभी एकदम से तो बता नहीं सकता, तो मुझे 2 दिन का समय मिला है। अब वो बड़े घबरा गए, कह रहे ये इतना बड़ा विडंबना वाला क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया, इसका मैं क्या उत्तर दूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अब वो घर जाता बड़ा घबराया हुआ, भाई मेरी नौकरी क्या हुआ, खतरे में पड़ जाती है यहाँ पर। अगर मैंने 2 दिन में राजा को उत्तर नहीं दिया तो क्या करेगा राजा? नौकरी से निकाल देगा। अब वो जब अपने घर जाता है तो उसका एक बेटा था, बेटे चिंता में देखता है अपने पिताजी को। जब एक बेटा अपने पिता को चिंता में देखता है तो पूछता है, अरे पिताजी बताओ क्या हुआ आपके साथ, आज बड़े चिंतित लग रहे हो। तो वो क्या बोलते हैं अकबर, अरे बेटा तेरे बस की बात नहीं है, छोड़, है ना। बीरबल बोलता है अपने बेटे से, अरे बेटा तेरे बस की बात नहीं, छोड़, मैं कुछ हल कर लूंगा वो सीधे। अरे पिताजी बताओ तो सही क्या प्रॉब्लम है। तो वो पूछता है, पहला प्रश्न है भगवान है तो कहाँ है, दूसरी प्रश्न है अगर भगवान है तो अभी क्या कर रहे हैं, ये 2 प्रश्न। बीरबल ने अपने पुत्र से बोला कि बेटा तेरे बस की बात नहीं है, तो भगवान अभी कहाँ है और क्या कर रहे हैं, ये 2 प्रश्न पूछे गए। अब बीरबल के, बीरबल ने बोला कि चलो ठीक है बता ही देता हूँ इसको, इतना पूछ रहा है तो। अपने बेटे को बताता है, बेटा ऐसी ऐसी बात है, राजा ने मुझे कैसे प्रश्न किए कि अभी भगवान कहाँ है और भगवान अभी क्या कर रहे हैं। तो बीरबल का बेटा जो बोलता है, अरे पिताजी आप इतनी सी बात के लिए चिंता में हो रहे, मेरे को ले जाना राजा के सामने, मैं चुटकियों में इसका आंसर दे दूंगा। उन्होंने बोला अच्छा भाई दे तो देगा ना, ये तो राजा मेरा क्या कर देगा, सर काट देगा। तो बोला हाँ दे देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो फिर अब 2 दिन बाद क्या करते हैं, राजा के सामने बीरबल जी प्रकट कर लेके जाते हैं अपने बच्चे। अब बीरबल अकबर बीरबल से पूछता है कि बीरबल तुम्हें पता है ना मैंने तुमसे 2 प्रश्न किए थे। तो उसने बोला हाँ, तुम उत्तर लेकर आए हो? अरे राजा जी आप इतने सरल उत्तर प्रश्न उससे पूछे, ये तो मेरे बच्चा ही आंसर दे देगा इन दोनों का, तो मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं। तो उसने बोला अच्छा ऐसा है, बच्चा आंसर दे देगा, चलो बताओ। तो पहला प्रश्न क्या था, भगवान है तो कहाँ है, और दूसरा क्या था, क्या कर रहे हैं। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी हरे कृष्णा बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब उन्होंने पूछा पहला प्रश्न क्या था, भगवान है कहाँ, दूसरा प्रश्न है तो क्या कर रहे हैं। जब ये प्रश्न पूछा बोले महाराज अगर इसका उत्तर सुनना चाहते हो 10 किलो दूध मंगा। बोले महाराज बताओ ये दूध में घी है कि नहीं, बोले है, बोले दिखाओ ये दूध में घी कहाँ है, बोले ऐसे थोड़ी दिख जाएगा।
पहले दूध गर्म करो, फिर उसमें जमाओ, फिर उसको मंथन करो, मक्खन निकले, मक्खन को गर्म करोगे तो देखो ये दूध में घी है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस होता है, हैं? जब साधारण दूध में घी है उसको देखने के लिए प्रोसेस है। अब तुम कह रहे हो भगवान ने कहा, कोई लड्डू थोड़ी बना कर खा दिया। जिनको पाने के लिए भागवत कहता है, जब ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मनुष्य जिनको देवता ऋषि मुनि जिसको कठोर तपस्या करते हैं तभी प्रभु को दर्शन नहीं कर पाते। और कह रहे भगवान कहा, कोई लड्डू थोड़ी है, उसके लिए भजन साधन करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, तभी तो जाकर के भगवान दर्शन देंगे। इसे दर्शन नहीं देंगे तो ऋषि मुनि लोग क्यों तपस्या करते हैं? तो खुश होंगे, वाह बेटा तो बढ़िया आंसर दिया। दूसरा प्रश्न था क्या, भगवान है तो क्या कर रहे हैं? बोले महाराज जी ये बताओ प्रश्न कौन कर रहा है? बोले मैं। बोले आंसर कौन देगा? बोले तू। बोले जो प्रश्न करता है वो स्टूडेंट छात्र, जो उत्तर देता है वो होता है टीचर। आप तो बैठे हो सिंहासन में, जो प्रश्न का उत्तर सुनेगा और जो प्रश्न का उत्तर सुनाने वाले वो नीचे खड़े, ऐसे थोड़ी होता है। इसलिए उत्तर सुनना चाहते हो मेरे को ऊपर बैठा और नीचे आप आ जाओ और मेरे को हाथ जोड़ करके पूछो, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं तद्विधि प्रणिपात न परिप्रश्न न सेव्या। अगर कोई ब्रह्म तत्व को जानना चाहते हो उसका तीन प्रोसेस है, पहले जाकर के चरणों में प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, उनकी सेवा करो, तभी जाकर के ये ब्रह्म तत्व को ही बताएगा। आप ब्रह्म तत्व के बारे में पूछ रहे हो और ऊपर बैठी कर कम नीचे नीचे उतरो, फंस गया। तो उन्होंने बच्चे को बैठाया ऊपर, नीचे राजा उतर गए, हाथ जोड़ कर बोले बताओ भगवान क्या कर रहे? बोले यही ना कर रहे हैं, भगवान चुटकी में एक ब्रह्मा को मच्छड़ बना सकते हैं और मच्छड़ को ब्रह्मा बन सकते हैं, रंक को राजा और राजा को रंक बना सकते हैं। भगवान यही कर सकते हैं, हैं? भगवान क्या नहीं कर सकते? इसलिए भगवान है कहाँ? अगर कोई प्रश्न करता अब स्टोरी याद हो गया इसको किस हो गया, इसलिए आप लोग सही सही आंसर देना। इस विषय में तो बहुत सारे विषय बताया और कभी सुनेंगे, ठीक है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल लीजिए आसना। अभी हम लोग ने हम लोग अभी गिरिराज की कथा सुनेंगे, और गिरिराज के लिए सब लेकर आए ना, सब सजा कर रखा कि नहीं? थोड़ा भी रखा, ठीक है। ये अभी थोड़ी सी एक सुंदर आप कृष्ण की कथा सुनाएंगे, उसके बाद में हम गिरिराज की पूजा करेंगे। और देखो आज तो गिरिराज की पूजा नहीं, कल है राधा रानी कल जन्म लेगी, कल श्री राधा रानी जन्म लेगी, इसलिए कल आप लोग आज कौन सा रंग की कपड़ा पहन रहे हैं? कल है कौन सा रंग गुलाबी, क्योंकि राधा रानी का जो चुंदरी है ना, आप तो कहा गुलाबी रंग की चुंदरी, बोले क्यों? कहते गुलाब रंग किया है, बोले प्रेम का रंग है, ये अनुराग का रंग गुलाब रंग है। इसमें देखो हम लोग का रंग कैसे गुलाब रंग है, हम ये रंग क्यों पहनते हैं? कहते ये अनुराग है, प्रेम का रंग है, इसलिए हम ये प्रेम से राधा रानी की कृष्ण के प्रेम से हम अपना शरीर को हम ढक करके रखे, और ये प्रेम स्वरूप श्रीमती राधा रानी। इसलिए कल कौन सा रंग के कपड़ा पहन कर आओ? हाँ गुलाबी रंग के कपड़ा पहन करके सज धज करके आना, कल राधा रानी की जन्म उत्सव है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अज्ञान मिलंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सभी गौर भक्त वृंद। सभी पर हाथ उठाकर बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने जब गोकुल में जन्म लिया उसके पश्चात उन्होंने अपनी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करी। अभी हमने श्रवण किया गुरुदेव के मुखारविंद से किस प्रकार पूतना जब ब्रज में आई तो पूतना का भगवान ने संहार करके और उसको धात्री की गति प्रदान करी।
इतने भक्तवत्सल भगवान इतने कृपालु हैं कि यदि कोई केवल नाटक मात्र ही करे तो उसको भी इतनी सर्वश्रेष्ठ गति प्रदान करने वाले ये भगवान हैं। इसी प्रकार अनेक अनेक असुरों को कंस ने ब्रज में भेजा और ब्रज में भेज के कृष्ण को मारने की चेष्टा करी, लेकिन कृष्ण का कोई भी बाल नहीं बांका कर पाया। सबको कृष्ण ने मार के और सदगति प्रदान करी और कृष्ण अपने सुंदर रूप लावण्य से पूरे ब्रज में प्रसिद्ध थे। और प्रसिद्ध होते होते उन्होंने क्या किया, जब थोड़े बड़े हुए, बड़े होते ही उन्होंने अभी घर घर मक्खन चोरी करना चालू कर दिया। भगवान कृष्ण मक्खन चोरी करते करते उनके सब जगह चर्चे होने लगे और कृष्ण का रूप इतना सुंदर, मैया जब कृष्ण का श्रृंगार करती थी उन्हें सुंदर पीताम्बर पहनाती थी, गले में माला पहनाती थी, सुंदर उनके जूड़ा बना के और शीश पे मयूर पुच्छ लगा देती थी। तो कृष्ण का ऐसा सुंदर स्वरूप सारी ब्रज गोपियां सब समय यही चर्चा करती रहती थी। अभी क्या हुआ, कुछ ब्रज गोपियां ब्रज या वृंदावन से मथुरा, गोकुल से मथुरा की ओर जाती थी दूध दही देने के लिए, तो वो भी कृष्ण का गुणगान करती हुई जाती थी। अभी मथुरा में एक फल बेचने वाली इसने भी कृष्ण के रूप की महिमा सुनी कि कृष्ण कितने सुंदर है। तो कृष्ण के सुंदर रूप की महिमा सुन के उसके हृदय में भी इच्छा हुई कि मैं भी भगवान के दर्शन करूंगी, मैं कृष्ण के दर्शन करने जाऊंगी। उसने सुना था कि बड़े गोकुल में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया है, नंद भवन में वो खेलता है और उसका सुंदर से पूरा त्रिभुवन आकर्षित है। अभी फल वाले के हृदय में जब इच्छा हुई कि मैं भी कृष्ण दर्शन के लिए जाऊंगी, सुना था बच्चों को फल बड़े पसंद है, तो इसने क्या किया, अपनी टोकरी में बड़े सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल लिए और गोकुल की तरफ, नंद भवन की तरफ आ गई। और नंद भवन के बाहर आके और जैसे फल वाले चिल्लाते ना, फल ले लो, फल, केला ले लो, सेब ले लो, आम ले लो, इस तरह से नंद भवन के बाहर आके और याचना करने लगी कि कृष्ण जैसे ही सुनेंगे कि कोई फल बेचने वाली है, फल खाने के लोभ से आएंगे और मैं कृष्ण का दर्शन कर लूंगी। पहला दिन निकला, कृष्ण नंद भवन के बाहर आके इस तरह से बुलाने लगी, लेकिन कृष्ण नहीं आए। कृष्ण ने क्या किया, अपने सखाओं को भेज दिया, बोले कोई फल बेचने वाली आई है, तुम लोग जाकर फल खा लो। अभी जैसे ही बच्चे कृष्ण के सखा वहां आए, इस फल वाली ने उन सबको फल खिलाए और कृष्ण दर्शन ना होने के कारण थोड़ा दुखी होके पुनः अपने घर चली गई। दूसरा दिन होते ही फिर वापस नंद भवन के बाहर आके फल कौन लेगा, फल, इस तरह से आके याचना करने लगी। कृष्ण ने दूसरे दिन भी स्वयं बाहर ना आके और अपने सखाओं को भेज दिया। सखा ने फिर पेट भर के फल खाए, बढ़िया फल खाए और वापस नंद भवन में आ गए और यहाँ पर आज दूसरे दिन भी ये दुखी होके मथुरा चली गई। अभी तीसरे दिन घर से जब निकल रही है, विचार कर रहे हैं कि आज यदि मुझे कृष्ण दर्शन ना हुआ, दो दिन हो गए हैं कृष्ण दर्शन की लालसा इतनी उत्कट हो गई है, इतनी व्याकुल हो रही है कृष्ण दर्शन से कि मनी मन संकल्प करके चली है आज कि यदि मुझे कृष्ण दर्शन ना हुआ तो आज ये प्राण ही में धारण नहीं करूंगी, आज अपना इस शरीर को यमुना में विसर्जित करके प्राण धारण नहीं करूंगी, जन्म सफल जार, कृष्ण दर्शन जार, भाग्य है आछे एक बार। कहते हैं हमारे गोस्वामी वर्ग कि जिसने ये जीवन लाभ करके कृष्ण दर्शन किया है, कृष्ण की भक्ति करी है, उन्हीं का ही जीवन धारण करना सार्थक है। तो ये फल वाले भी आज ऐसी ही उत्कट लालसा के साथ में कृष्ण दर्शन के लिए मथुरा से निकली है और इस दर्शन की लालसा में इतनी पागली हो गई है कि फल बेचना भूल गई। नंद भवन के बाहर आके कहती है, कृष्ण कौन लेगा, कृष्ण, दामोदर कौन लेगा, दामोदर, गोपाल कौन लेगा, गोपाल। पूरी कृष्ण प्रेम में बावली होके कृष्ण चिंतन करते करते क्या बेचने आई है वो भी भूल गई और कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, इस तरह के कृष्ण के नाम का गुणगान करते हुए नंद भवन के बाहर चिल्ला रही है। अभी कृष्ण ने सोचा कि मेरा भक्त बड़ा उत्कंठित है, तो भक्त वांछा कल्पतरु भगवान अभी भक्त को दर्शन देने के लिए, इस फल वाली को दर्शन देने के लिए नंद भवन से बाहर आएंगे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, जब पूतना आई थी तो पूतना के आने, जब पूतना का राक्षसी स्वरूप नंद यशोदा ने देखा तो बड़े भयभीत हो गए। नंद बाबा ने कड़क पहरेदारी लगा दी कि देखो कोई भी अनजान व्यक्ति को नंद भवन में घुसने नहीं देना और कृष्ण भी यदि बाहर जाए तो उनपे निगरानी रखना। पहले तो कहा कृष्ण को बाहर जाने ही नहीं देना, किसी कारणवश मान लो खेलते कूदते जाते भी हैं तो उनपे नजर रखना। कृष्ण अभी मनी मन सोच रहे हैं कि अपने भक्त को दर्शन भी देना है, लेकिन नंद बाबा का ये जो कड़क पहरा है इससे कैसे बचूं।
तो उन्होंने क्या किया, नजर चुराते हुए इधर उधर देखा कि कोई दासी देख तो नहीं रही, और कृष्ण अभी भक्त को दर्शन देने के लिए बाहर जाने वाले हैं। पहले के समय पे क्या होता था, फल यदि विनिमय में कुछ देना पड़ेगा, जैसे फल अगर हम लेंगे तो उसको धान या और कुछ वस्तु देके उसके विनिमय में देना पड़ता था। कृष्ण सोच रहे हैं कि फल वाली ऐसे तो फल देगी नहीं, सोच रहे हैं कि हाथ में धान लेकर चला जाता हूँ। उन्होंने क्या किया, दोनों हाथों से धान ले लिया और धान लेके अभी ठुमक ठुमक के कृष्ण बाहर जा रहे हैं। कृष्ण मैया यशोदा ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, कृष्ण ने पैरों में नुपुर पहन रखे हैं, अभी नुपुर भी वहां पर छम 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 शब्द कर रहे हैं। तो कृष्ण के नुपुर की आवाज सुन के कहीं मैया समझ ना जाए, मैया पुकार ना ले, इस वजह से कृष्ण ने क्या किया, उन नुपुर को ही ऊपर उठा दिया। कृष्ण मन ही मन विचार कर रहे हैं, बोले दारी के मैं अपने भक्त से मिलने जा रहा हूँ और तू यहाँ पर शब्द करके मुझसे बाधा कर रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने नुपुर पैरों की तरफ ऊपर उठा लिए और उसके बाद में भक्त दर्शन देने जा रहे हैं। हाथों में जो गेहूं लिए थे, अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, बच्चों को ठीक तरह से मुट्ठी बनाना भी नहीं आता, तो हाथों में ऐसे छेद हैं, क्या इस तरह से मुट्ठी बना रखी है लेकिन हाथों से गेहूं गिरते जा रहे हैं। गेहूं गिरते 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 जब तक बाहर पहुंचे तब तक हाथ में तो दो ही दाने रह गए। ये गेहूं, गेहूं को बताया ये साक्षात लक्ष्मी है, धन को हम कहते हैं ना लक्ष्मी, तो मानो यहाँ पर हमारे टीकाकार कहते हैं कि लक्ष्मी भी साक्षात कृष्ण के चरणों में गिर के प्रार्थना कर रही है कि देखो कृष्ण, मैं तो यहाँ नंद भवन में बैठी हूँ, मैंने तुम्हारा कोई अपकार तो किया नहीं, तुम क्यों मुझे नंद भवन से बाहर भेज रहे हो, कभी इस नंद भवन में यदि रहूंगी कभी ना कभी तो तुम्हारी सेवा में लगूंगी, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मैं तुम्हारे चरण पड़ती हूँ, मुझे यहाँ से बाहर मत निकालो। लेकिन कृष्ण क्या कर रहे हैं, भक्त को दर्शन देने के लिए ठुमक ठुमक के प्रभु अभी नंद भवन के बाहर आ गए, हाथों में वही दो गेहूं के दाने। जैसे ही फल वाली ने कृष्ण का दर्शन किया, कृष्ण दर्शन करके पूरे प्रेम में उन्मत्त हो गए, इतने आनंद हृदय में हो गया है और कृष्ण दर्शन करके और कुछ बोल ही नहीं रही, पूरी सुदबुद्ध खो बैठी है। अभी कृष्ण ने उनसे कहा कि मैया मुझे फल खिला दो, मैया मुझे फल खिला दो। तो यहाँ पर कृष्ण वो फल वाली कहने लगी कि तुम भी तो मुझे विनिमय में कुछ दो, मैं फल बेचने वाली हूँ, फल बेचूंगी, फल तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम भी तो मुझे कुछ दो। बोले तू बड़ी विचित्र बात कर रही है, मैं तो अपनी माँ की गोद में बैठ के जो भी उनसे मांगता हूँ वो मुझे बिना कुछ लिए दे देती है, सारी ब्रज गोपियों के पास में मैं जब जाता हूँ गोद में बैठ के जो कुछ मांगू मुझे माखन खिलाती है, मिश्री खिलाती है, तू तो कुछ देने के लिए विनिमय में मांग रही है। बोले लाला तू एक काम कर, तू भी मेरी गोद में बैठ जा और मुझे गोद में बैठ के माँ कह दे, मैं भी तुझे सारे फल खिला दूंगी। कृष्ण यहाँ पर मन ही मन विचार कर रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से आई है, कौन सी जाति की है, यदि मैं इसकी गोद में बैठ गया और यदि गोपियों ने देख लिया तो मेरी इतनी खिल्ली उड़ाएंगी, खिल्ली उड़ाएंगी तो और साथ के साथ माँ को कंप्लेन भी कर देंगी, माँ से मेरी शिकायत कर देंगी। अभी कृष्ण इधर उधर देखने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कोई देख रहा हो, और झट से उसकी गोद में बैठे हैं, फल की याचना करके तुरंत प्रभु खड़े हो गए हैं। जैसे ही कृष्ण का स्पर्श आज इस फल वाली को हुआ है उसका तो रोम रोम खिल गया, मन में इतना आनंद हो गया, पूरी बांवरी हो गई और सारे फल कृष्ण को दे दिए, और कृष्ण ने वही दो दाने जो दो गेहूं के दाने रह गए थे वो फल वाली की टोकरी में रख दिए। उसके बाद में कृष्ण वो सब फल को लेकर घर में आ गए हैं, घर में लाके वो माँ यशोदा को जब फल दिए, अभी यहाँ पर क्या हुआ था, जो दासियां थी दासियों ने देख लिया था कृष्ण कहाँ जा रहे हैं, कृष्ण कहाँ जा रहे हैं सभी दासियों ने देख लिया था। उनके आने से पहले ही सभी दासियों ने माँ से कह दिया, बोले यशोदे जानती हो तुम्हारे लाला ने आज क्या किया, बोले न जाने कहाँ से मथुरा से कोई फल बेचने वाली आई थी, उसकी जात का ठीक नहीं, उसके घराने का ठीक नहीं, उसकी गोद में बैठ के और उसको माँ बोल के आया है। बोले कोई बात नहीं, ये लाला मेरा नहीं, ये तो पूरे ब्रज का लाला है, अरे इसको माँ ही तो बोला है। कृष्ण की छाती चौड़ी होगी, बोले मैया भी मेरे पक्ष में। अभी मैया ने क्या किया, सब फलों का अमन्या करके ठाकुर को भोग लगाया और उसके बाद में कृष्ण समेत सभी सखाओं ने खाया। इधर ये फल वाली जब कृष्ण दर्शन करके वापस जा रही है, फल की टोकरी तो खाली थी, फल की टोकरी में क्या था, दो दाने गेहूं के, लेकिन जैसे ही यमुना के पास में पहुंची है धीरे धीरे फल की टोकरी में भार बढ़ता जा रहा है। भार बढ़ते बढ़ते उसने सोचा कि फल तो सारे दे आई हूँ, ये भार कैसे हो गया। जैसे ही टोकरी उतार के नीचे देखी, हीरे जवाहरात सोना चांदी अशर्फियों से पूरी टोकरी भरी हुई, इतना देख के हम जैसा कोई होता ना तो बस वहीं पे नाचने लग जाता, लेकिन वो बड़ी दुखी हो गई।
हनुमानी बड़ी दुखी होकर मनी मन विचार करने लगी कि हे प्रभु, आप क्यों मुझे इस जड़ जगत की माया मोह देकर और मुझे फंसा रहे हो? आप क्यों मुझे इस जड़ जगत में फंसाना चाहते हो? उसने क्या किया, वही टोकरी पूरी यमुना में डाल दी और फिर कहां चली गई उसका कुछ अता पता ही नहीं। अर्थात भगवान ने उसे अपने धाम में बुला लिया, उसे अपने धाम में बुला लिया। और इस तरफ यहाँ पर कृष्ण अपने सखाओं के साथ में बड़े सुंदर रूप में सारे फल का आस्वादन करने लगे। अभी यहाँ पर शिक्षा देते हैं, देखो हमारे टीकाकार बड़ी सुंदर सुंदर इस विषय में शिक्षा देते हैं कि पहले दिन जब वो फल बेचने वाली आई तब कृष्ण नहीं आए, दूसरे दिन फल बेचने वाली आई तब भी कृष्ण नहीं आए, तीसरे दिन कभी जाकर कृष्ण आए। तो भगवान ने पहले अपने सखाओं को क्यों भेजा, स्वयं क्यों नहीं उसके फल का आस्वादन करने के लिए आए? तब इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण सेवा से पहले, कृष्ण दर्शन से पहले उनके भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। कृष्ण भक्तों की सेवा करने के बाद में ही कृष्ण संतुष्ट होते हैं, इसलिए कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं ये में भक्त जना पार्था नामे भक्ताश्च ते जना मत भक्ता नाम से ये भक्ता ते में भक्त तमामता। कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि हे भगवान हम आपके भक्त हैं, कहते हैं वो मेरे भक्त नहीं है। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो ये क्लेम करते हैं, जो लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि हम आपके भक्त हैं, वो लोग मेरे भक्त नहीं है। लेकिन मत भक्ता नाम से ये भक्ता, जो कहते हैं कि हम आपके भक्तों के भक्त हैं, हम आपके सेवक के सेवक के सेवक हैं, हम आपके दासों के दासों के दास हैं, वो ही मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। इसलिए यहाँ पर मानो पद्धति बता रहे हैं भगवान कि यदि कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है, यदि कोई मेरे दर्शन करना चाहता है, यदि कोई मेरी सेवा भी करना चाहता है, तो पहले मेरे भक्त की सेवा करो। क्यों? क्योंकि भक्तों के हृदय में ही सदा गोविंद विश्राम है ना। भगवान स्वयं कहते हैं साधुनाम हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम कि हे दुर्वासा ऋषि, भक्त मेरा हृदय है और मैं भक्तों का हृदय में विराजमान हूँ। इसलिए भक्त स्वयं अपने हृदय में भगवान को लेकर चलते हैं। इसलिए अगर यदि हम भक्तों की सेवा करेंगे तो क्या होगा, भगवान उसे संतुष्ट होंगे। एक तो यहाँ पर ये शिक्षा दी, दूसरी बात यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं जो ठाकुर को भोग लगाने की, जो अभी हम श्रवण कर रहे थे ना किस प्रकार ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्या जगत, कि यदि हम कृष्ण को देकर कोई चीज, भगवान को यदि भोग लगाकर कोई चीज ग्रहण करेंगे तो उससे क्या होगा, भगवान हमारी भी झोली हीरे और शर्फियों से भर देंगे, है ना। तो भगवान को भोग लगाने का बड़ा महत्व है। तो कथा का सार सार रूप में यही समझो कि एक तो भगवत सेवा से पहले भक्तों की सेवा, ठीक है। यही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पत्रो हर्ष्य के पास तुलसी भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। जो बच्चे बैठे हो देखो, ये बच्चा जैसे कथा सुनाता है, प्रभु जी तुम लोग भी ऐसे कोशिश करो, दुनिया की बात पर तो दिन भर बोलते रहेगी लेकिन मुंह से प्रभु का नाम सहज में नहीं निकलता है। इसलिए भागवत में बताए जो जिनका जीवा प्रभु का कीर्तन करता है वो जीवा की सार्थकता है। अगर ये जीवा से प्रभु का कीर्तन नहीं करते हैं, ठाकुर का कथा नहीं सुनाते हैं, ये सुतो कृष्णा कहते हैं ये जीवा कैसे, ये मेढक का जीवा के बराबर। आप देखना बरसात का समय में मेढक टट्टर टट्टर करता है, वो जो मेढक पुरुष मेढक ना स्त्री मेढक को बुलाती इधर आ जाए इधर आ जाए, तो बीवी क्या आएगी, वो काल सर्प आ जाता है। सर्प का आहार मेढक सांप देखता है, मैं अपना आहार ढूंढने का जरूरत नहीं, मेरा आहार तो मेरे को ढूंढ रहा है, इसलिए सर्प धीरे 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 आप उसको छट निकल लेता है। फिर वो मेढक ना टटर टटर करना शुरू कर देता है। इसलिए ये जीवा की तभी सार्थकता है जब ये जीवा से आप भगवान की कीर्तन भजन और भगवान की कथा सुनाए, ठीक है ना। अरे हमारे से लोकेश प्रभु कहते हैं महाराज जी इस बार इतना आनंद आया, हम तो हर दो साल में नहीं तो एक साल में हम कोशिश करेंगे जैसे यहाँ पर हर साल भगवान की कथा हो। जिनको ताली बजाओ। बात होती है कम से कम यहाँ भगवान की कथा करवाएंगे। जब हम दूसरे बार आओगे ना देखूंगा जितने माताएं आई हो कथा सुन रही हो, तब सब सुन करके इतनी याद करना, कम से कम अगली बार आऊंगा तो 10-10 माताओं को कथा सुना करके मैं देखूंगा उनको भक्त बनाए, ठीक है, करोगी नहीं। हाँ अभी श्री गिरिराज की पूजा होगी, गिरिराज के लिए बनाया माता जी, कहाँ रखे हो सामान को, इसको ठाकुर घर में रखे हो, यहाँ पर कैसे रखोगे, यहाँ पर थोड़ी सी पीछे, थोड़ी सी पीछे, इधर आ जाओ।
थोड़ी सी सामने जो जगह है ना, यहाँ पर कोई अच्छे कपड़े बता की यहाँ पर कोई अच्छे कपड़े को बिछा दो, नया कपड़े को बिछा दो और उसको ऊपर में सारे सामान को रखो, नया कपड़ा। कोई बोले गिरिराज महाराज की जय। जितने जितने प्रसाद के लिए अपना प्रसाद रख दो, ऊपर 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 रख दो, आ जाएगा तुलसी को लंबा जैसा अपना आगे आ गया बस। गिरिराज बाबा की जय। यहाँ से नीचे कर दो ना, ऊपर से ऊंचा रहना, ऐसे भी रहने दो बस, ठीक है। अरे पता जी अब लोग पीछे हटो, यहाँ पर कोई नया कपड़ा बिछा दो, सामान ले आओ, सारे बच्चों अंदर से सारे सामान ले आओ, यहाँ पर सब यहाँ पर रखो, हाँ सारे भोका ले आओ, यहीं पर रखो, गिरिराज प्रसाद पाएंगे। जय जय गोवर्धन, गिरिराज जय गोवर्धन, जय गिरिराज जय गोवर्धन, गिरिराज जय गोवर्धन, कुमारी जय जय हो, गिरिराज तुम्हारी जय जय हो, गिरिराज तुम्हारी जय जय हो, गिरिराज तुम्हारी जय जय हो, Yeah.
सब बैठ जाओ, कोई खड़े मत बैठो, हो गया तो सब बैठ जाओ, जिसको जहाँ जगह मिलता है वहीं पर सबके सब बैठ जाओ। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अच्छे अच्छे कर से बैठो, हरे राम हरे राम, बैठ इधर हरे हरे। एक बार हाथ उठाकर बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा तुलसी पता है अरे अरे दे दे तुलसी कुछ में डाल दिया कुछ और क्या हो गया। पहले देखना चाहिए ना चुप है यहाँ पर। ये तुलसी पता है क्या डालो दे आधे में दे दिया और अंदर लगा। हरे कृष्णा हरे बोल सब एक हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। हरे कृष्णा अभी कथा सुना, बोले गिरिराज बाबा की जय, बोले गिरिराज महाराज की जय, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा देखो कल है एकादशी, अगर किसी भागवत कथा को बीच में एकादशी आ जाती है ना, समझो उसमें चार चांद लग गया है। क्या लग गया? चार चांद लग गया, उसकी विशेष महिमा बढ़ जाती है। इसलिए कल भागवत कथा में एकादशी बहुत किसी किसी की भाग्य में एकादशी कथा में आती है। दो मिनट एकादशी कथा सुन लो, माताएं ध्यान देकर सुना, क्यों ये काम की बात है। अभी कोई बात मत कर, चुप हो जाओ, सब मुंह में हाथ लगा दे, सब बात मत कर, सबके सब देखो, सबके सब ध्यान देकर सुनो। ये एकादशी व्रत क्या चीज है और एकादशी व्रत हमें क्यों करनी चाहिए। बोले श्री एकादशी महारानी की जय। सब माताएं सब ध्यान देकर सुनो, इधर उधर बात मत करो, ए अंदर में जितने माताएं सब कपड़े बाहर करो, चुप होकर सुनो, एकादशी कथा सुन लो। एकादशी की विशेष महत्व है, सुन लो। यदि जो एकादशी व्रत है, आप भागवत पढ़ करके देखो, किसी पुराण पढ़ करके देखो, किसी पुराण में कहीं एकादशी कथा किसी पुराण में नहीं, लेकिन ये तो श्रीमद् भागवत में देखोगे ये एकादशी कथा है। कभी जितने सोमवार मंगलवार बृहस्पतिवार जो माताएं व्रत रखती है ना, देखना ये भागवत में कोई व्रत का नाम नहीं है, लेकिन केवल एक ही व्रत का नाम आती है, वो एकादशी की व्रत केवल भागवत कथा में आती है। जिसको अम्बरीश महाराज रखते थे, जिसको मैया जसोदा नंद बाबा रखते थे, जिसको रुक्मिणी सप्तभामा रखती थी, और सबसे जो बड़ा एकादशी है जानते हो कौन सा एकादशी, पांडवा निर्जला जो एकादशी, सबसे बड़ी एकादशी, जो एकादशी को पांडव लोग जिस एकादशी को रखा करते, सबसे बड़ी एकादशी पांडव, जिसको पंच पांडव एकादशी व्रत को रखा करते थे। कहते जो एकादशी व्रत को बताया ये कल्पतरु व्रत है। कौन सा व्रत है? कल्पतरु व्रत मतलब क्या? कल्प वृक्ष मतलब होता है उसको नीचे बैठी करके अब जो सोचो जो मांगो वो वृक्ष वही दे देता है।
ये जो एकादशी व्रत को अगर व्रत हो पढ़ लेना, एक एकादशी का नाम पुत्र था, अभी कथा सुन रहे थे ना, नंद बाबा ने सारे बार व्रत कर चुके थे लेकिन घर में बेटा नहीं हुआ। ये बेटा कब हुआ? जब उन्होंने ये पुत्र का एकादशी किया। एक एकादशी का पुत्र था, पुत्र था मतलब जो पुत्र को दान देता है, हैं? जब उन्होंने ये पुत्र का एकादशी की, कृष्ण ने घर में कृष्णा है। एक एकादशी का नाम मोक्ष था, मोक्ष था मतलब क्या, जो एकादशी को करने से तुमको मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए उसका नाम मोक्ष था। एक एकादशी का नाम अर्ण था, अर्ण था मतलब क्या, अगर जिनकी घर में अर्ण खेती की शस्य की कमी है वो एकादशी व्रत करेगा तो घर में खूब अन्न आता है। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब क्या है, लक्ष्मी। जिनकी घर में लक्ष्मी की कमी है, पैसा की कमी है, वो एकादशी करोगे तो घर में मां लक्ष्मी की कृपा होती है। एक एकादशी का नाम है पापमोचनी। पापमोचनी मतलब क्या है, संसार में दुख कष्ट क्यों आता है, ये पाप का फल है। कभी वो एकादशी व्रत अगर कोई करेगा तुम्हारे जीवन का जितने पाप समस्त पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। अगर घर में एकादशी व्रत कथा भी ना पढ़ करके देखना, 15 दिन में जैसे सोम मंगल वो एक ही फल है, ज्यादा फल नहीं है, लेकिन ये एकादशी 15 दिन में एक बार आती है, इसका फल सब अलग 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 फल, एक ही फल नहीं, सबका फल अलग अलग है। मतलब एकादशी व्रत करके ऐसे कोई चीज नहीं जो तुमको नहीं मिल सकती है, सब कुछ एकादशी व्रत से आपको मिलेगा। इसलिए भागवत में कोई बार व्रत का नाम नहीं है, कोई बार व्रत नहीं, जिसको अम्बरीश महाराज माँ जसोदा करती थी वो केवल उसी व्रत की कथा भागवत में आती है, हैं? इसलिए कहते एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करते हैं, हैं? कहते उसमें गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, पितृ मातृ हत्या, जो पांच पाप है वो एकादशी का दिन अन्न में ये सारे पाप रहता है। जो एकादशी का दिन अन्न भोजन करेगा कहते सारे पाप से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करेगा उसको पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी, पाप में भुगतना ही पड़ेगा। इतने खतरनाक ये एकादशी का दिन अन्न भोजन करने का। इसलिए एकादशी का दिन, कल भागवत में एकादशी कथा है, कथा आएगी, एकादशी व्रत है, जरूर आप लोग एकादशी व्रत रखना जरूर, ठीक है ना। ये जो एकादशी जो व्रत है, हैं? इसकी विशेष विशेष महिमा। लेकिन कुछ लोग का भ्रम, क्या भ्रम, जो विधवा वही एकादशी रखते, कुछ लोगों का भ्रम। अब भागवत पढ़ करके देखो, जसोदा क्या विधवा थी, ये क्या द्रौपदी विधवा थी, जो सबसे बड़ी एकादशी पांडवा ने जलाई, क्या द्रौपदी विधवा थी, रुक्मिणी और सत्यभामा क्या विधवा थी, हैं? कोई विधवा, अम्बरीश महाराज की कथा आई हम सुनवे कल, ये क्या वो क्या उनका पत्नी विधवा थी, नहीं। हर लोगों का और एक भ्रम है, इसकी उद्यापन करना पड़ जाता है। हमारे भक्ति जगत में कोई उद्यापन नाम का कोई भागवत बात है ही नहीं, उद्यापना होता है उसका त्याग देना। एकादशी क्या, ये भक्ति स्वरूप नहीं, ये राधा रानी का स्वरूप है, घर में राधा रानी भक्ति आने पर उसको त्याग दे दोगे भक्ति को, इसलिए जब तक समर्थ है तब तक करो। कहते 8 साल से लेकर के 80 साल तक ये एकादशी व्रत रखनी चाहिए, 8 साल से लेकर के 80 साल तक बताए एकादशी का फुल सर करनी चाहिए। इसलिए कल कथा में एकादशी आएगी, व्रत आएगी, आप लोग जरूर एकादशी व्रत करना। जैसे एकादशी व्रत में जैसे आप लोग नवरात्रि रखते हो, है ना, जैसे उसमें आलू की सब्जी बना कर खा सकते हो, जिसमें काशी फल का भी सब्जी और पेठा का भी सब्जी, खाने के लिए तो बहुत सारी चीज खाने खा सकते हो, है। इसलिए एकादशी का दिन कोशिश करना फल फूल फ्रूट क्रीम आप बढ़िया बढ़िया कुट्टू आटा की पकौड़ा भी बना कर खा सकते हो। खैर देखो रोज रोज कोई दाल भात सब्जी खा रहे हो, एकादशी हमारे मंदिर में तो बाबा लोग सोचते भैया एकादशी कब आएगी, कभी कभी फ्रूट क्रीम भी बना सकते हो, है, फिर दूध दही मिठाई पिठाई सारा दुनिया चलेगी एकादशी का दिन। लेकिन केवल 5 अन्न, देखो क्या क्या नहीं खानी चाहिए, गेहूं में जो चीज बनी हुई, गेहूं में जो जो चीज बनती है, जा है, जितने प्रकार दाल है, सोरिसा है, ये सब चीज को एकादशी का दिन नहीं खानी चाहिए। और सब्जी में हर सब्जी नहीं चलती है, आलू तो चलती है, काशी फल भी खाते हैं, कुमड़ा भी खाते हो, कच्चा केला भी खाते हैं, ये सब चीज को, पपीता भी खा सकते हो पपीता के लिए, इसलिए इसका सब्जी बना कर खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कल एकादशी, कल मैं अच्छी अच्छी बात सुनाऊंगा एकादशी का क्या विशेष महत्व है।
और एकादशी करके किसी किसको भक्ति और भगवत प्राप्ति हुई बहुत अच्छी अच्छी में कथा सुनाऊंगा। इसलिए जरूर कल सबके सब एकादशी व्रत जरूर करना, कोई भी कल अन्न भोजन नहीं करना, ठीक है? अन्न भोजन कोई नहीं करना, जो क्या आता है चना चूर खाना चुराती है नमकीन नमकीन ये सब चीज को कोई नहीं खाना, नमकीन पसंद क्यों, ठीक है? कुट्टू आटा की पकौड़ा बना कर खाओ, बढ़िया बढ़िया चीज है। और देखो जो चाय है ना, चाय मत क्यों, जो चाय है वो पत्ते से बनता है, चाय पत्ते है ना, एकादशी दिन कोई पत्ती का कोई सब्जी पत्ते का चीज नहीं मिलती है, इसलिए मसाला में भी अदरक खा सकते हो, अदरक ही डालकर। और नमकीन में कोशिश करना सेंधा नमक खाने के लिए, सेंधा नमक और घी, और आपने मूंगफली तेल खा सकते हो, घी खा सकते हो, घी में जो कुछ बनाना, और जो रिफाइन तेल सरसों तेल को नहीं खानी चाहिए। कोशिश करो एकादशी है, 15 दिन में एक एकादशी आएगी। अब जो कुछ आप एकादशी से मांगोगे, एकादशी सारी इच्छाओं को पूरी करने वाले एकादशी। और कोशिश करना 12 बजे तक, कितने बजे तक, 12 बजे तक कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेनी चाहिए, उसको बाद में जो कुछ एकादशी में जो चीज चलता है उसको आप ग्रहण कर सकते हो। कल दिन में एक बार भी खा सकते हो, 2 बार भी खा सकते हो, कोई बात नहीं। अगर जिसको कोई किसी बीमारी वगैरह खाए नहीं रह सकता, 3-4 बार भी खाओ, कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करो, ठीक है? एकादशी। और कल मैं बहुत अच्छी अच्छी कथा सुनाऊंगा, बढ़िया बढ़िया एकादशी कथा, मैंने कल एकदम नई नई सुंदर सुंदर कथा सुनाऊंगा, किसने किसने एकादशी व्रत की और किसी को किसको फल मिले, और की चीज देख लेना। जैसे कोई व्यक्ति अंतिम संख्या में लेटा हुआ है, बड़े दिन से मृत्यु नहीं हो रही, बड़ा कष्ट पा रहा है, आप किसी ब्राह्मण साधु को बोलो भैया इनको जल्दी से जल्दी मुक्ति कैसे मिले, आप पूछ लो क्या मिलेगा, बोले कोई एकादशी व्रत करके उसका फल दे सकते। देखो मैं यूरोप जाता हूँ प्रचार करने के, विदेश जाता हूँ, एक व्यक्ति 2 साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, इतने पैसा जा रहा था सोच नहीं सकते, बहुत उन्होंने प्राण जान कट दिया, शरीर में हड्डी हड्डी रह दिया, बड़ा कष्ट। जब उनको पता चला भारत से कोई साधु आए, तो उन्होंने मेरे को बुला करके ले गए, बोले बाबा ये बड़े कष्ट पा रहे पिताजी, 2 साल से हॉस्पिटल में पड़े हुए, शरीर में केवल हड्डी हड्डी, प्राण गले में अटक रहा है, इनका मृत्यु नहीं हो रही, बड़े कष्ट पैसा भी जा रहे, बाबा आप कोई उपाय बता दो। मैंने कहा एक काम करो, आप लोग जो अगली एकादशी आएगा पूरा परिवार वाले एकादशी व्रत रखना, एकादशी व्रत करके उनको फल दे देना। बोले बाबा अभी 10 दिन बाकी है, एक एक दिन बड़ा कष्ट से बीत रहा है। मैंने कहा एक काम कर लो, अभी तो 10 दिन बाकी, आज सबका हाथ में मैंने फूल दिया, मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ करके बोले संकल्प करो जो अगली एकादशी में हम जो एकादशी व्रत रखेंगे इसका फल हमको दे देना, सबको संकल्प कराए। मैं जब वहां से हॉस्पिटल में आकर घर में पहुंचा ना, वो फोन आया, इनके शरीर छूट गए। इतने एकादशी में एक नहीं हजार हजार मैंने चीज देखा, हजार हजार मैंने घटना देखा, ये एकादशी में इतने महिमा, बड़े से बड़े पाप एकादशी व्रत से नष्ट हो जाती है। इसलिए भागवत में कोई बार सोमवार का नाम नहीं, मंगलवार का बात नहीं, प्रियस कोई भी व्रत अभी भागवत में नहीं देखोगे, केवल एकादशी कथा देखो, इतने महिमा जो मांगोगे एकादशी से आपका सब कुछ मिलेगा। और देखो अभी प्रश्न होता है ये सब एकादशी व्रत साधुओं ने क्यों रखा, देखो ऋषि मुनियों ने जो चीज रखा है ना, ये सबके सब बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग थे, व्यास देव, पराशर, हमारे बालिक, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, कौन थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, अभी का साइंटिस्ट जैसे नहीं, एक बात एक साइंटिस्ट बोला दूसरा बात आ दूसरा साइंटिस्ट ही अपने टारगेट पे चला गया, लेकिन अभी गीता का कोई अक्षर बदला है, भागवत का कोई श्लोक बदली है, रामायण का कोई चौपाई बदली है, अभी तक नहीं बदली, क्यों, ये पक्के साइंटिस्ट थे इनकी। अभी प्रश्न है कर ये एकादशी कथा क्यों आई, देखो इस चीज को समझ लो, इसमें क्या साइंस है, बच्चे लोग अच्छे तरह से ध्यान करके सुनो, इसमें क्या साइंस है, कहते हैं कि जो शरीर एक मशीन है, कोई भी मशीन को अगर कंटिन्यू चलाओगे वो मशीन ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, जैसे फैन चलती है, अगर हर समय चलती रहेगी ना, जैसे माइक चलती हर समय चलती रहेगी तो दो दिन तक खराब हो जाएगी, ये शरीर एक मशीन है, अगर बकरी जैसे दिन भर मुंह चलाते रहोगे मशीन ज्यादा दिन काम करेगा, इसलिए देखना बच्चे लोग स्कूल जाते हैं सैटरडे संडे छुट्टी रहता कि नहीं, क्यों छुट्टी होता है, 7 दिन पढ़े ना, 7 बढ़िया पड़ेगा, बोले नहीं बढ़िया नहीं पड़ेगा, पागल हो जाएगा बच्चा,
जैसे 8 पीरियड 7 पीरियड स्कूल में, 1 पीरियड रिसेस होता है, खेल चुकी होता है। बोले क्यों, ये ब्रेन एक मशीन है, बच्चे लोग जब खेल कूद कर लेते हैं ना ये माइंड फ्री हो जाती है, फिर पढ़ाई अच्छे तरह से करते हैं। इसलिए उसी तरह देखना, संडे को ऑफिस बंद रहता है, दुकान बंद रहता है, नहीं बंद रहती है, क्यों, शरीर के लिए रेस्ट देनी चाहिए। उसी तरह ये शरीर भी एक मशीन है। ऋषि मुनियों ने कहा भैया इसको बकरी जैसे दिन भर खाते रहोगे ना बीमारी पड़ जाओगे, इसलिए 15 दिन में क्या करो। अभी साइंटिस्ट लोग जो तरह तरह जो रोग के लिए कहते 16 घंटा फास्टिंग करो, 16 घंटा फास्टिंग के लिए कहते हैं, जैसे सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लो और दूसरे दिन 10 बजे का 16 घंटा होता है, इसलिए कहते रखोगे तो कभी जिंदगी में कोई बीमारी नहीं होगा तुम्हारे शरीर को। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा भैया एकादशी का दिन क्या करो, कम से कम एकादशी दिन ये बकरी को थोड़ा रेस्ट दो ना, बकरी जैसे दिन भर खाते रहोगे हैं, इसलिए इसको रेस्ट दो। अभी प्रश्न है हम एकादशी का दिन ही क्यों फास्टिंग करेंगे, और भी तो किसी दिन कर सकते हैं, ये चीज को समझ लो। आप लोगों को पता होगा समुद्र में एक हाई टाइड होता है, जानते हो हाई टाइड, ज्वार घटा होती है, पानी बढ़ती है घटती है, ये पानी कब घटती है बढ़ती है, बोले ये एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक ये पानी बढ़ती है और उसको बाद में धीरे धीरे पानी घटती है। बोले क्यों घटती है, कभी जो चंद्रमा ये पृथ्वी को खींचती है और जो पृथ्वी ये चंद्रमा दोनों दोनों को आकर्षण करती है, दोनों को खींचती है, खींचने पर अभी चंद्रमा पृथ्वी को इतने बड़े पृथ्वी को तो खींच नहीं सकता, इसलिए उसका प्रभाव पानी के ऊपर पड़ता है। जैसे एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा जितने बढ़ेगा वो पानी उतना उफनना शुरू होता है, हैं? उसी तरह हमारा जो शरीर है ये 5 चीज से बनी हुई है, कितना चीज से, क्या क्या है बोलो, वायु अग्नि, जोर से बोलो, अग्नि बोलो, इसलिए खेती अब तेज वर्तव मतलब मिट्टी वायु जल आकाश और अग्नि, ये 5 चीज से बनी हुई, बताओ इसमें सबसे ज्यादा क्या है, पानी, जल, कितना परसेंट है, 75% इसमें पानी जल, जल होने का नाते ये चंद्रमा का जो प्रभाव है पानी को प्रकटता है। इसलिए आप लोग ध्यान लगाकर देखना, जिनके घुटने में दर्द है, शरीर में कोई बीमारी है, आप देखना नजर लगा करके एकादशी का दिन थोड़ा ज्यादा हो, द्वादशी का दिन और ज्यादा, और पूर्णिमा को इतने दर्द होगा सो भी नहीं सकते। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी हॉस्पिटल में देखोगे ज्यादा बीमारी लोग कब आते हैं एकादशी से पूर्णिमा तक, किसी शमशान में चले जाओ आप देखोगे एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक मरते हुए लोगों को भी ज्यादा देखोगे, क्यों, ये चंद्रमा का प्रभाव पड़ने पर लोग ज्यादा मरते भी है। आप देखना माताओं का अंदर में चिड़चिड़ा पड़ भी देखोगे, वो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ज्यादा चिड़चिड़ा बनाते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा के प्रकोप से, इसलिए जितना, इसलिए ऋषि मुनियों ने क्या बोले, बोले रोटी मत खाओ चावल मत खाओ, बोले क्यों, अगर इसको खाओगे ना वो बाद में स्पंज जैसे वो पानी ज्यादा खींचेगा, रोटी खाओ थोड़ी देर बाद में पानी मांगेगा, लेकिन फल खाओ पानी नहीं मांगेगा, पानी नहीं मांगेगा फल, क्यों, रोटी में स्पंज जैसे, इसलिए भाई भैया ये चीज को मत खाया करो, ये चीज को मत खाया करो, इसलिए मना किया है, हैं? इसलिए एकादशी का दिन ऋषि मुनियों ने जो विधि विधान जो बताए ना, ये शरीर को हेल्थ अच्छा रहेगा तभी तो भजन करोगे ना, अगर बीमारी जिंदगी भर रहोगे तो भजन क्या करोगे, इसलिए एकादशी रखोगे तो बीमारी से मुक्त हो जाओगे, शरीर सुस्त रहेगा और खूब भगवान की भक्ति करोगे, ठीक है, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण जोर से गिरिराज की जय देगा ना उतना ही उसका जय होगा। मैंने कल बता रहा था जो गिरिराज गोवर्धन है ये और कोई नहीं कि भगवान कृष्ण है, कृष्ण ही ये गिरिराज गोवर्धन का रूप धारण किया है, भगवान ने स्वयं स्वयं को परिक्रमा लगाई, भगवान स्वयं स्वयं को उन्होंने पूजा की है, इसलिए ये गिरिराज कोई पहाड़ पत्थर नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण जो गोलोक वृंदावन से इसी मरते जगत में आ रहे थे, उन्होंने से राधा जी को बोले, बोले देखो राधे मैं ये मरते जगत में जाना चाहता हूँ, मेरे साथ में चलोगी, बोले मैं नहीं जाऊंगी, बोले क्यों, बोले जहाँ पर गिरिराज नहीं, जहाँ पर श्री यमुना नदी नहीं, जहाँ पर निधुवन निकुंजवन नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। कृष्ण बोले देखो राधे
जब ये गोलोक वृंदावन से मैं मध्य जगत में आऊंगा, ये पूरी गोलोक वृंदावन को ही मैं उठा दूंगा। तेरे पिता माता मेरे पिता माता, तेरे सखी मेरे सखा सब चलेंगे, ये ग्वाल वाल सब चलेंगे। दादा रानी बोली फिर तुम्हें चलेंगे। इसलिए गिरिराज आए कहां से? ये गोलोक वृंदावन से ही ये गिरिराज स्वयं आए। ब्रज में तुम जो जो चीज देखोगे, ये इसी जगत का कोई भी चीज नहीं, लिधुवन मधुवन निकुंजवन तालवन, इस सब के सब गोलोक वृंदावन से ही इस जगत में आए हैं। इसलिए जब गिरिराज गोवर्धन आए तब उन्होंने द्रोण और धरा के पुत्र बनकर उन्होंने आए। सालमल द्वीप में गिरिराज गोवर्धन वहीं पर प्रकट होकर के आए। लेकिन अभी प्रश्न है, अभी गोवर्धन कौन बन गए हो? परिक्रमा लगाई कौन कौन जाना चाहते हो? कौन आप सबको हम ले जाए ठीक है? अभी देखो, अभी राहुल, अभी कार्तिक महीना आएगा, सब ध्यान से सुना, अभी कार्तिक महीना आएगा। कार्तिक महीना कोशिश करना, वो महीना सबसे पुण्य का महीना है। उसी महीना में एक गुण जो पुण्य करेंगे ना, हजार गुण फल मिलेगा। राधा रानी की महीना है, आप लोग सब कोशिश करना, यहाँ से टिकट बना करके दो तीन दिन के लिए वहां पर आओ, नंदगांव बरसाना गोवर्धन। अब देखोगे ना, विदेश से हमारे मंत्री ने विदेश लंदन फ्रांस जर्मनी लाख रुपया खर्चा करके लोग उतना दूर से आते हैं गिरिराज की परिक्रमा लगाने के लिए। ब्रजमंडल एक महीना कोई दो महीना के लिए आते हैं, कोई तो वृंदावन वासी करते हैं विदेश लोग हैं। और तुम तो बड़े भाग्य हो, कहाँ हिंदू घर में जन्म लिए हो, और कोटे में, और जगह का नाम रामपुरा, रामपुरा में भगवान का पुरा में तुमने जन्म लिए हो है, भगवान की गांव में जन्म लिए हो। इसलिए अगर नहीं जाओगे तो मेरी जिंदगी में क्या क्या, जो घर का रोटी बनाना मसला उसी में जिंदगी में, कम से कम धान इस बार आना कार्तिक में ठीक है। कौन बनाएगा? हाथ नहीं उठा रहे सब, कैसे आना ठीक है बच्चों? राहुल सब टिकट बना के लेंगे, सब लेगा ठीक है, पैसे लेंगे गिरिराज महाराज की। अभी प्रश्न है, ये गिरिराज गोवर्धन, ये गिरिराज गोवर्धन में कैसा है? हाँ, इसको ध्यान देकर सुनो। कहते एक ऋषि थे हैं, वो ऋषि एक समय, ये ऋषि ने हैं ये गए हुए थे द्रोण और धर्म का पुत्र रूप में जन्म हुए। इसलिए वहां पर जब गए और गिरिराज गोवर्धन बड़ी सुंदर फल फूल से लगा हुआ गुफाएं झरनाएं तालाब, उन्होंने रहते थे काशी में हैं, काशी में रहते थे। देखा काशी में तो कोई सुंदर स्थान है नहीं, मरुभूमि। अगर ये इसको लेकर किसी तरह से हम चले जाएं काशी, संत लोग बैठ कर भजन करेंगे। लेकिन उनको पिताजी को बोले आपका बेटा को मेरे को दो, मैं काशी ले जाऊंगा। अगर कोई तुम्हारे घर में आए बोले तेरे बेटे को दे दूंगा, बेटे को दोगे? वो दुखी हो गए, बोले ये ऋषि अगर नहीं दूं तो अभिशाप दे देंगे। इसलिए उन्होंने बोले भैया बेटा जाएगा कि नहीं, या बेटे को पूछ लो। गिरिराज बोले देखो मैं जा सकता हूँ दो शर्त में, एक शर्त है चल कर के नहीं मेरे को उठा कर ले जाना पड़ेगा, दूसरी शर्त बीच में कहीं अपवित्र हो गए फिर मेरे को आप छू नहीं सकते, कोई बात नहीं। इसलिए उन्हें ऋषि ने क्या किया, एक हाथ में से गिरिराज उठा लिया है, गिरिराज को कुलस्तरी से उठा लिया। उठा करके जब काशी ले जा रहे थे, इतने में बीच में वृंदावन पड़ता है जहाँ पर गिरिराज, लेकिन वो तो गोलोक वृंदावन से ठाकुर को सेवा के लिए आए। ठाकुर जी से प्रार्थना करे, ठाकुर जी ये कहाँ काशी फांसी देने ले जा रहे हैं, मैं तो आपकी सेवा के लिए आया हूँ, आप कृपा करके अपना चरण में स्थान दो। ठाकुर जी इसे माया घुमाया ना, वो इतने जोर से उसको लघु संख्या लगने लग गई, वो रोक नहीं लगी संख्या को, भूल गए अपना सारे प्रतिज्ञा और गिरिराज को रख लिया। और जब उन्होंने लघु संख्या के लिए पेशाब के लिए बैठे ना, पेशाब गदमी भगवान की माया से है। उसको बाद में हाथ पैर धो करके जब गिरिराज को उठाए, गिरिराज उठे नहीं, बोले गिरिराज उठो क्या बात, बोले ऋषि आपने किया शर्त किया था बीच में उतारोगे तो जामना नहीं, अपवित्र हो जाओगे तो फिर मैं चलने वाला नहीं, अब घंटे तक बाथरूम में बैठे हम, मैं जाने वाला नहीं। फिर उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगे और तीन तीन करके खे हो जाओगे। बोले देखो मैं तो ठाकुर को सेवा करने के लिए आया, इतना आशीर्वाद दो, जब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे तब तक मैं पूर्ण रूप में रहूं, ठाकुर जब लीला करके चले जाएंगे ना फिर आपका अभिशाप लागू हो है। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। इसलिए गिरिराज गोवर्धन, कहते गिरिराज गोवर्धन किया है, कहते साक्षात विष्णु है और ये साक्षात श्री वाक्य भी है, ये कृष्ण स्वयं ये गिरिराज की उन्हें रूप में प्रकटित हुए हैं।
इसलिए कभी जो गिरिराज गोवर्धन है, एक समय एक सारा रात्रि मैया जसोदा लड्डू कचौड़ी मालपुआ जैसे दाल बाटी चूरमा की आज बनाया है, तो बढ़िया बढ़िया खाना बना रही थी। इतने में कृष्ण ने बोले, मैया मैया ये रात भर क्या बना रही हो, कल क्या मेरी जन्मतिथि? बोले नहीं लाला। बोले दाऊ भैया क्या? बोले नहीं बर्फ है। बोले पिताजी गोद में जाकर पूछो। तब उन्हें पिताजी की गोद में बोले, पिताजी ये मैया रात भर ये लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्यों बना रही है? बोले लाला कल हम श्री इंद्र की पूजा करेंगे। बोले पिताजी इंद्र कौन? बोले स्वर्ग राजा, हम ग्वाला है, मूल धन गैया, और इनके आदेश से पर्जन्य मेघ होता है, मेघ होने से घास होता है, गैया घास खाते हैं, दूध देते हैं, इससे जो कुछ मक्खन मिश्री मिठाई किससे बनता है? दूध से, इसलिए हमें इंद्रा पूजा करेंगे। लेकिन कृष्ण ने युक्ति तर्क दिया, बोले पिताजी सब जंगल की आप इंद्र पूजा करते हैं, पर बारिश क्यों होता है? कभी समुद्र में ही बारिश क्यों होता है? समुद्र का इंद्र पूजा करता है। बोले पिताजी ये ब्रज का जो राजा है ना, ये गिरिराज गोवर्धन है, ये गिरिराज हमारी ब्रज के राजा, ये मेघ आकर टकराता है गिरिराज में, टकरा करके बारिश होती है। जितने गैया कहाँ घास खाते हैं? बोले गिरिराज से। ये हम कहाँ की पानी पीते हैं? बोले झरना गिरिराज की। बोले कहाँ पर ये फल फूल मिलता है? बोले गिरिराज की। बोले पिताजी ये ब्रज का प्रकट देवता गिरिराज है, इनकी आशीर्वाद से हम यहाँ निवास कर रहे हैं, इसलिए गिरिराज गाय के नाम किया। कल मैंने बताया था ना, इनका नाम सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब आप गोवर्धन गए होंगे ना, आप देखना गिरिराज की जब परिक्रमा कोई करते हैं, ठाकुर जी कहते हैं मैं इसको पीछे 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 घूमता रहता हूँ, क्यों मेरी इतना कष्ट कर रहा है? जो परिक्रमा करते हुए मांगे, नौकरी चाकरी बेटा बेटी पुत्र परिवार, मैं सब कुछ दे देता हूँ। कल सुनाया था गिरिराज की शिला के ऊपर शिला रखा हुआ। बोले क्यों? जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए वो शिला के ऊपर जितने शिला रख दो ना, गिरिराज उतना मंजिली मकान दे देते हैं। मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है, हर महीना महीना में परिक्रमा करने जाते हैं, हर महीना में बड़े बड़े दूर से, बड़े बड़े दूर से। क्यों? गिरिराज जी उनकी झोली भर दी, गिरिराज जी झोली भर दिए श्री गिरिराज जी। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। इसलिए पिताजी ये ब्राह्मण साधु संत ये गैया हमारी देवता, आप इनकी गिरिराज की पूजा करो, जो कुछ मानो वही देंगे। बोले पिताजी आप बताओ कितने दिन से इंद्र पूजा कर रहे हो? बोले जब से होश आया। बोले इंद्र को देखे ही खाई हुए देखे? बोले नहीं। बोले जब आप गिरिराज की पूजा करोगे प्रकट स्वयं होंगे, जो मांगोगे गिरिराज आपको सो देंगे, साक्षात दर्शन देंगे, और जो कुछ भोग लगाओगे ना सब कुछ भोगों को ठाकुर जी ग्रहण भी करेंगे सब कुछ को। इसलिए बोले ठीक है लाला, कल हम किसकी पूजा करेंगे? गिरिराज गोवर्धन की। ए सारी दुनिया में एकदम हल्ला कर हिंदुरा पीट बांध दिया सारा दुनिया में, जितने भक्त थे ना माताएं चार तरह का चावल बनाए, कितने तरह का? एक फीकी चावल, एक नमकीन, और एक बटर पनीर डाल करके, और एक मीठा चावल। आप लोगों ने कितना तरह का चावल बनाया? कितने तरह का? चार तरह का, चार तरह का बनाए, और दाल बाटी चूरमा भी बनाए, और जो दाल बाटी बनाए चूरमा बनाए दो तरह का चूरमा, कितने तरह का? एक हंसना एक रोना। हंसना मतलब पतलम रखते जो चूरमा खेल जाए, कभी ये हंसना, कभी ये रोना, मतलब क्या कहते जिसमें घी टपकता है, हैं? दो तरह का उन्होंने चूरमा बनाया। आप लोगों ने बनाएंगे नहीं चूरमा? ये चूरमा दाल बाटी चूरमा, इसलिए लड्डू यहाँ का मेन खाद्य तो दाल बाटी चूरमा है, हैं? इसलिए उन्होंने दो तरह का चूरमा बनाए, और दाल तो 10 तरह का दाल बनाए, मटर की अरहर की मूंग की उड़द की, कितने तरह का दाल बनाए, शाही पनीर मटर पनीर इतने बनाए, कचौड़ी मालपुआ कढ़ी कढ़ी चावल इतना बनवाए ना, उसका नाम पड़ गया अन्नकूट। क्या नाम पड़ गया? अन्न मतलब अन्नकूट मतलब पर्वत, शब्द पर्वत पर्वत का कर। बोले कैसे? बोले ब्रज में 365 गांव है, करौली बरौली सही अब चगाव निचगाव 365 गांव से छकड़ में भर भर कर गैया की गाड़ी में लाई, पूरा गिरिराज गोवर्धन खाने खाने में बन गया गिरिराज गोवर्धन। कृष्ण अपना हाथों से गिरिराज का अभिषेक किया, और अपना हाथों से जितने सब लाए थे ना सबको पर उन्होंने तुलसी पता रख लिया, पता रख करके ठाकुर का आसन पाद आचमन दे करके बोले हे गिरिराज गोवर्धन आप कृपा करके इसको स्वीकार करो। जब इतना बोले सचमुच से गिरिराज जी इतना विशाल रूप धारण किया, सारे ब्रजवासी देख रहे थे विशाल रूप गिरिराज की है,
बोले ठाकुर जी ग्रहण करो। ए गिरिराज हाथ बड़ा बड़ा कर खा रहे थे, एक खा रहे थे, मिनट में सब खत्म कर दिया। बोले और लाओ, आनो रे और ले आओ। ब्रजवासी बोले प्रभु हम ब्रजवासी, हम गरीब ब्रजवासी, हम इसी पर ही भोजन करके तृप्त हो जाओ। तो उन्होंने ठाकुर को पानी पिलाया, तांबूल दिया, तांबूल दे करके बोले मेरे को वरदान मांगो, क्या चाहते हो हैं, क्या चाहते हो तुम लोगों ने। जब उन्होंने वरदान दे बोले ठाकुर जी हमारे जो कृष्ण है ना, ये ब्रजवासी थे, ये कृष्ण को पर बार-बार विपत्ति पड़ती है, आप इतना आशीर्वाद करो हमारे लाला को पर कोई विपत्ति नहीं आए, हमारे लाला सुख शांति में रहे। भगवान भगवान का आशीर्वाद दिया। कृष्ण का एक सखा था मधुमंगल, वो ब्राह्मण ब्राह्मण था, खाने का लोभी होते है। बोले कन्हैया तेरे ठाकुर तो भूखे ठाकुर है, हम जो लाए थे सबके सब खा लिया, सबके सब एक फीका भी रखा ही नहीं। जब हम इंद्र को पूजा करते थे जो सूखा प्रसाद होता था, हम तो एक महीना तक तो सूखा प्रसाद खाते थे, और तेरे ठाकुर जी एक किंडा भी नहीं रखे। भैया तेरे गिरिराज की और पूजा नहीं करेंगे। कृष्ण ने कहा हमारे गिरिराज को ऐसे मत कहा करो, सब आंख बंद करो। जब आंख बंद किया ना, कृष्ण ने ऐसे हाथ घुमा दिया, एक घुमा दिया, जो एक किलो का लड्डू लाए थे 2 किलो हो गया, जो 2 किलो का रसगुल्ला हो गया 4 किलो, जो सूजी लाए थे 1 किलो की हलवा, तो जो जो लाए थे ना डबल डबल सब हो गया। क्योंकि भगवान को खाने से कभी प्रसाद कमी नहीं होता, बढ़ जाती है। सखा ब्रजवासी जो तरस उठे, बोले भैया हम तो ठग गए। बोले क्यों, हमें पता नहीं था डबल डबल हो जाएगा, नहीं तो और थोड़ा ज्यादा बना कर लाते हैं, इसे डबल डबल हो गया, इसलिए बोले खाओ चकाचक भोजन करो। चलो भोजन करके हम गिरिराज की परिक्रमा लगाएंगे। जितने ब्रजवासी थे पहले कौन चल रहे थे, पहले चल रहे थे साधु संत ब्राह्मण चल रहे थे, उनको पीछे जितने गैया भी चल रही थी, और उसको पीछे ब्रजवासी चल रहे थे, अब सबको पीछे जितने गोपियां थी सबके पीछे माताएं चल रही थी, और सबसे पीछे जो राधा रानी चल रही थी। जब परिक्रमा करते हुए थोड़ी दूर गए ना, इतने में राधा रानी मन में सोच रही है, अगर सचमुच से कृष्ण मेरे प्रियतम हो, मैं चाहता हूँ कृष्ण को एक बार दर्शन करें, अगर एक बार मेरे को दर्शन करके तो मैं समझ जाऊँ मेरी ये प्रियतम है। अभी राधा कृष्ण तो दो है ही, वो तो एक ही है, फिर लीला करने के लिए दो रूप हुए हैं। अभी राधा रानी का भाव कृष्ण समझ गए। इतने में कृष्ण ने किया कि अपना जो लकुटी थी ना गैया चराने का, वो लकुटी को उन्होंने आकाश में फेंके, फेंक कर भी कृष्ण उसको जब पकड़ने के लिए गए, छलांग लगाए, राधा रानी का दो हाथ और कृष्ण का दो हाथ मिलकर के एक हो गया, और कृष्ण की जो लकुटी थी ना उसमें हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था। कृष्ण जब उन्होंने लकुटी को ऐसे किया, वो लकुटी के अंदर में कृष्ण की परछाई प्रतिबिंब हुई, और राधा रानी जो पीछे थी उन्होंने लकुटी में जो हीरे जवाहरात में जो परछाई को देख करके राधा रानी संतुष्ट हो गई। और थोड़ी दूर गए, अभी राधा रानी सोच रही है क्या कृष्ण अगर प्रियतम हो गए, मैं चाहता हूँ कृष्ण थोड़ी सी पीछे आकर के मेरे को स्पर्श करे। जब कृष्ण सोचे पीछे कैसे जाऊं, मैं तो बीच में, उन्होंने एक बछड़े को मुंह पीछे करके उसको ऐंठ दिया पूंछ को, ये बछड़ा तो खुदकते हुए कहाँ पहुंच गया, पीछे पहुंच गया। जब पीछे पहुंच गया इतने में कृष्ण बछड़े की बहाना बना करके पीछे गए, और राधा रानी को उन्होंने स्पर्श कर दिया। राधा रानी प्रेम में गदगद हो गई, ऐसे ही सबके सब आनंद से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाए। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। अभी हम प्रभु जी गिरिराज के कीर्तन करेंगे, अभी आरती के लिए तैयारी करो, गिरिराज की एक कीर्तन करेंगे, उसके बाद में गोपीनाथ अभी कल गाएंगे, इसलिए देखो यहाँ पर कोई समझने वाले नहीं, हम समझने वाले सब ये गाएंगे ठीक है। अभी गिरिराज भजन गाओ। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। हाँ देखो कल राधा रानी जन्म लेगी, जैसे दत्त कल जब जैसे कृष्ण जन्म हुए, कृष्ण जन्म होने पर जैसे हम लोग ने बधाई बांटे हैं, और खूब हम लोग ने क्या बांटे जाए अभी बांटे, कल भी राधा रानी जन्म लेगी, आप लोग भी घर से थोड़ा थोड़ा लेकर जाना, उसको भी हम लोग बांटेंगे ठीक है। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज कर, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज कर, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज कर।
Jai 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 Jai
Thank you.
Radha Krishna 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 Radha Krishna